संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाएं, एक बेलपत्री अर्पित करें और अपने हृदय की बात हम कह सके। निश्चित ही बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को बताया है पूज्य गुरुदेव ने। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का मनन चिंतन निरंतर हम करते रहें। यही आशा और विश्वास मन में रखते हुए निरंतर नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी को पूज्य गुरुदेव बताते हैं, हम सभी को श्रवण कराते हैं और कथा का प्रभाव हम सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए कलयुग में शिवयुग आ गया है, तो ये शिव महापुराण की कथा का प्रभाव है। आज एक साथ सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं लाखों की संख्या में, तो ये शिव महापुराण की कथा का प्रभाव है। आज सभी भक्त एक लोटा जल लेकर मंदिर जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा का प्रभाव है। सभी के हृदय में अपने सनातन धर्म के प्रति एक श्रद्धा जागृत हुई है, अपने धर्म को जानने की, अपने मूल धर्म को पहचानने की एक भाव जागृत हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं शिव महापुराण का प्रभाव है। और वैसे भी देखिए हमें हमारे सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए कि भगवान का शुक्रिया अदा हमेशा करते रहना चाहिए कि सुंदर देश में हमको जन्म मिला, उसमें भी ये सुंदर कुल हमें मिला, सुंदर वर्ण हमें प्राप्त हुआ और सुंदर सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, तो भगवान का शुक्रिया हमेशा अदा करते रहना चाहिए। क्योंकि मुझे गर्व है कि हम एक सनातनी हैं और हमें हमारे सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमें उस धर्म से आते हैं। यहाँ पर दूध बहाने के आरोप लगते हैं, खून बहाने के नहीं, हम उस धर्म से आते हैं। यहाँ पशुओं की गर्दन पर हाथ फेरना सिखाया जाता है, छुरी फेरना नहीं। हमारे त्योहार पूजा करके मिठाई खिलाकर और खाकर मनाए जाते हैं। हम प्रकृति के उपासक हैं, हम कोई मांस खाकर हमारे त्योहार नहीं मनाते। ये हमारे सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसी भी प्रकार का खून बहाकर हमारे त्योहार नहीं मनाया जाते। हम प्रकृति के उपासक हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं ताकि प्रकृति का वातावरण शुद्ध बना रहे और निरंतर हमारे सनातन धर्म में चाहे प्रकृति हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, धरती हो, गगन हो, आकाश हो, वायु हो, सभी को पूजा जाता है, सभी की पूजा की जाती है। एक एक दिन सभी के नाम से हमारे धर्म में पूजा की जाती है, क्योंकि जब इस पृथ्वी पर विज्ञान नहीं था उससे पहले भी एक धर्म था, वो है सत्य सनातन धर्म। तो हमें हमें सनातनी होने पर अपने गर्व होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से आते हैं, हम उस धर्म से आते हैं। यहाँ पर सभी का सम्मान किया जाता है, हम उस वर्ण से आते हैं। यहाँ निरंतर एक ही कामना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामयी, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। और हमारे आराध्य देव भी हमें प्रेरणा देते हैं। देखिए हम सीख सकते हैं हमारे आराध्य देवों से, जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव हम सभी को कथा के माध्यम से बताते हैं, हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा हम किसी भी अच्छे लोगों से ले सकते हैं। तो हमारे आराध्य देव जिन्होंने इस पृथ्वी के लिए इतना सब कुछ करा है, हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा वो नहीं जिसने 20,000 मजदूरों को अपनी प्रेमिका के चक्कर में महल बनवाया और उनके हाथ कटवा दिए गए हो। प्रेरणा उनसे लो जिन्होंने अपने माता पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास काट लिया था, हमें प्रेरणा उनसे लेना चाहिए। तो आप सभी और हम सभी इस बात पे हमेशा अड़िग रहे कि हम हमारे सनातन धर्म से प्रेम करें और सनातन धर्म के हित के लिए
जो भी कार्य करे हम उनके साथ में खड़े रहें। देखिए सनातन धर्म के लिए हम नहीं लड़ सकते तो कम से कम हम बोल सकते हैं, हम बोल नहीं सकते तो हम लिख सकते हैं, हम लिख भी नहीं सकते तो हम मौन होकर उनका साथ दे सकते हैं, हम साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम चुप रहकर हम ये तो देख सकते हैं कि जो व्यक्ति हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है हम उसको बुरा भला ना कहें, उसको अपशब्द ना कहें बल्कि हम उसका साथ दें, क्योंकि हमारे बत्तल की लड़ाई भी वो व्यक्ति लड़ रहा है। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखें कि सत्य सनातन धर्म के कोई भी कार्यक्रम हो और सनातन धर्म के लिए कोई भी कार्य करे हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, हमें हिस्सा लेना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए। जो भी सनातन धर्म के हित में कार्य करे उसका हमेशा हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र भी यही सिखाता है हमारे देश से बड़ा और हमारे सनातन धर्म से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही सबसे पहले आते हैं, इसलिए अपने देश को और अपने धर्म को हमेशा आगे रखें। इसके बाद में ही सारी बातें हमें करना चाहिए, इसके बाद में ही सारे कार्य हमें करना चाहिए, और जो भी सनातन धर्म के हित में कार्य करे उनको हमेशा साथ देना चाहिए। निरंतर हम सभी को प्रयास करना चाहिए और बाबा भोलेनाथ की कृपा से निश्चित ही आप सभी को ज्ञात है कि सुंदर कथा के मुख्य जजमान का पद भार ग्रहण करा है श्री हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट आदरणीय सांसद महोदय श्रीमती नवदीप जी राणा, आदरणीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा हनुमानगढ़ी अमरावती से, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और आप सभी को ज्ञात है निरंतर सनातन धर्म के हित में कार्य करते हेतु आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय विधायक महोदय हमेशा कार्य करते हैं सनातन धर्म के प्रति, हमेशा सनातन धर्म की पताका को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम सभी को ज्ञात है, आप सभी को ज्ञात है हनुमान चालीसा का अभियान जो आपने प्रारंभ करा था निश्चित ही उससे एक अलग सी जगी थी पूरे संपूर्ण भारत वर्ष में, जो हम सभी ने देखी, हम सभी ने मानी। उसके पीछे चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो पर हमेशा सत्य की विजय होती है, सत्य की जीत होती है। तो निरंतर सनातन धर्म की पताका को आगे लहराने का कार्य करा है आदरणीय सांसद महोदय और आदरणीय विधायक महोदय ने। निरंतर बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर इस प्रकार से बनी रहे और निरंतर आप सनातन धर्म के हित में कार्य करते रहे। आज कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की वो भूमि, कंकर शंकर की वो पावन धारा जप स्थली है, तप स्थली है, आराधना स्थली है, साधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। सेवा का कार्य इस धरा से प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है। आप हम सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से भक्तों के सारे कार्य उस धरा से होते हैं, तो आप भी इन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं, सेवा के प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े होकर आप भी सुंदर सनातन धर्म के हित में कार्य करते हुए, सेवा के प्रकल्पों से जुड़ते हुए आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति को 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वयं राशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अपने नाम की सुंदर घोषणा आप या मंच द्वारा करवा सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो अपनी स्वयं राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री उत्तम भोगा भाई जी पटेल उड़ीसा से सुंदर 751 रुपए की सौग्रसी अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके, सुंदर सौग्रसी आपने समृद्ध की।
श्री प्रवीण जी भोसले जलगांव महाराष्ट्र से 1001 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। सौरभ सिंह जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। सीधी राम कल्याणी जी की तरफ से बलोद छत्तीसगढ़ से सुंदर 2100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। असित कुमार जी शाह दिल्ली से सुंदर 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। विवेक जी शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। जितेंद्र सुखनंदी जी जूनागढ़ से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। धवल जी गुप्ता बारा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सुशीला रामलाल जी अग्रवाल की तरफ से रामपुर रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। संजय जी बोरेकर की तरफ से यवतमाल महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। विभोग जी सिरोठिया की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। देवराज जी इंद्र जी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। राकेश जी गुवाहाटी असम से सुधा 1100 रुपए। असीमा जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए। अनिल जी पटेल की तरफ से भुज गुजरात से सुधा 500 रुपए। पिड़े जी सेना की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। योगेश जी की तरफ से संभाजीनगर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। आर्यमान सुधाकर जी सोनबाने की तरफ से नासिक मराठी से 1000 रुपए। गुप्तधन में रोहतक हरियाणा सुधा 500 रुपए। गोविंद कन्हैया लाल जी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर 1000 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। सीता देवी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से सुधा 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। संजू जी बरेट की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। सतीश जी पटेल जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। विनायक जी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से भदोही उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। अमय प्रकाश जी कुलकर्णी जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। भीमराज सोनू जी की तरफ से सिरडी महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। विमल भास्कर जी की तरफ से सुंदर आपने 21000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन भंडार संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समृद्ध की। आप सभी को ज्ञात है 21000 रुपए की चौरासी आप जो जमा करते हैं उससे आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता आप ग्रहण करते हैं। आप सभी निरंतर देखते हैं कि 21000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करने के बाद में प्रतिदिन आपके नाम से प्रतिदिन साल में एक दिन प्रति वर्ष आपके नाम से भोजन भंडारा होता है और इस भोजन भंडारे का क्रम प्रतिदिन चलता आता है जिसमें एक एक भक्तों के नाम प्रतिदिन लिए जाते हैं जिससे सभी भक्तों को इसका पुण्य फल प्राप्त हो और सभी भक्त बड़े ही आराम से सुंदर भगवान का भजन कीर्तन कर कर भगवान का भोजन भी प्राप्त कर सके। तो सुंदर आप भी 21000 रुपए की स्वीकृति देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। श्री प्रमोद कुमार जी शर्मा भिवानी हरियाणा से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरासी बाबा कुमरेश्वर धाम में तो समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुधा चौरासी आपने समृद्ध की। श्री गणेश जी कनौजिया नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। जितेंद्र कांतिलाल जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। साइली जी गोंगरार की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। जयपाल सिंह जी प्रतिभा सिंह जी सोलंकी की तरफ से सुधा 1100 रुपए की चौरासी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में तो समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में तू समृद्ध की। अविनाश धर्मेंद्र सिंह जी की तरफ से फतेहपुर से सुंदर 5100 रुपए की चौरासी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में तू समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर चौरासी आपने समृद्ध की। सतवीर सिंह जी जिंद हरियाणा से सुंदर 501 रुपए की चौरासी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में तू समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर चौरासी आपने समृद्ध की। धनश्री रुपेश जी की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की चौरासी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में तो समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर चौरासी आपने समृद्ध की। अजय कुमार जी शर्मा जयपुर राजस्थान से सुंदर 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। दिलीप जी वाणी की तरफ से कन्नड़ से सुंदर 555 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। रमा जी भदौरिया दिल्ली से सुंदर 1001 रुपए की चौरासी समृद्ध की। ज्योति जी श्रीवास्तव भोपाल मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। सोभित जी श्रीवास्तव की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। स्वर्गीय महादेव बिरमा जी चौधरी की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। स्वर्गीय कमलाबाई जी मोहनलाल जी की स्मृति में सुंदर 1001 रुपए की चौरासी समृद्ध की। गुप्तधन में मथुरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। मिथुन सुखदेव जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। पुष्पा सिंह जी बघेल की तरफ से सत्ता मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। दोपती भाई जी वर्मा की तरफ से धार मध्य प्रदेश से सुधा 11000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समृद्ध की। बिमला देवी जी सीतामढ़ी बिहार से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। बजरंग लाल जी गुप्ता की तरफ से गंगापुर से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। लीला देवी जी त्यागी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए। विमल भाई जी चौहान की तरफ से सुंदर आपने 11111 रुपए की चौरासी बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी समृद्ध की। राजीव जी लड्डा की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुंदर 2100 रुपए। पूनम जी जोशी की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सारीना जी
जैन की तरफ से दिल्ली स्वच्छता करो सागर में मोहनदर जी जुनेजा गुड़गाम, हरियाणा स्वच्छता बांधवगढ़ में अनंत कुमार सिंह जी की तरफ से स्वच्छता करो सागर में कृष्णा की कणिका दत्त जी की तरफ से सुलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल स्वच्छता बांधवगढ़ में बनवारी लाल जी शर्मा की तरफ से रामगढ़, उत्तर प्रदेश स्वच्छता बांधवगढ़ में की पद्मावती राघवेंद्री भारद्वाज की तरफ से रायगढ़, छत्तीसगढ़ स्वच्छता करो सागर में विद्या जी तिवारी, रीवा मध्य प्रदेश स्वच्छता बांधवगढ़ में राकेश प्रसाद जी, पुणे महाराष्ट्र स्वच्छता बांधवगढ़ में गीता देवी जी, दरभंगा बिहार स्वच्छता बांधवगढ़ में वरुण जी शर्मा, लुधियाना पंजाब स्वच्छता बांधवगढ़ में मुकेश कुमार जी सोनी की तरफ से, इटारसी मध्य प्रदेश बांधवगढ़ में डिंपल जी कंगोलिया की तरफ से, गुरुग्राम हरियाणा स्वच्छता बांधवगढ़ में सदस्य समिति की पूनम पवन कुमार जी अग्रवाल की तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर से स्वच्छता करो सागर में कृष्णा समिति की राहुल जी गौर की तरफ से, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बांधवगढ़ में तेजस्वी जी मनियार की तरफ से, पुणे महाराष्ट्र से स्वच्छता बांधवगढ़ में कृष्णा समिति की संतु प्रताप सिंह जी की तरफ से, गोपालगंज से स्वच्छता बांधवगढ़ में कृष्णा समिति की राधेश्याम इंद्रावती जी शुक्ला की तरफ से स्वच्छता बांधवगढ़ में, हंसा कुमार जी की तरफ से राजस्थान से सुधर बांधवगढ़ में कृष्णा समिति की, वैष्णवी जी चक्रवर्ती की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधर की, सौरभ गोविंद जी शुक्ला की तरफ से सुधर अपने दुर्ग छत्तीसगढ़ से 1001 रुपए की सौरक्षित समृद्ध की, ईशा जी शर्मा की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 1001 रुपए की सौरक्षित समर्पित की, स्वप्निल जी देशमुख पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 2100 रुपए की सौरक्षित समर्पित की, अमित जी शर्मा की तरफ से सुंदर 5001 रुपए की सौरक्षित आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सदस्य आपने समर्पित की, सौरभ गोविंद जी शुक्ला की तरफ से सुंदर 11000 रुपए की सौरक्षित आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सदस्य आपने समर्पित की, गुप्तदान में सुधा पांच रुपए दर्शना जी रोहिल्या की तरफ से दिल्ली से सुधा बांधवगढ़ में, शिखा जी रघुवंशी और उत्तर प्रदेश से बांधवगढ़ में सुधा किरण जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 3100 रुपए की सौग्रह से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सौग्रह से अपने समृद्ध की, जीतू जी उपाध्याय गुड़गांव हरियाणा सुधा करो सागर में, राकेश जी रंजन की तरफ से बिहार से सुधा करो सागर में, मीना लक्ष्मण जी गवड़ की तरफ से संभाजी नगर से सुधा बांधवगढ़ में, अरुण जी उपाध्याय ग्वालियर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए, धन कंवर जी लोहारवाड़ा की तरफ से सुधा बांधवगढ़ रुपए की सौग्रह से समृद्ध की, संजय सिंह जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से बांधवगढ़ में, शिवांगी जी दरसिल्ला की तरफ से बेंगलोर से सुधा बांधवगढ़ रुपए की सौग्रह से समृद्ध की, आशा योग जी गुप्ता की तरफ से बेंगलोर से सुधा बांधवगढ़ में, संजय शिवाजी की तरफ से हैदराबाद से सुधा बांधवगढ़ रुपए की सौग्रह से समृद्ध की, गुप्तदान में काजगंज उत्तर प्रदेश से बांधवगढ़ में, नीतू जी शर्मा सारणपुर उत्तर प्रदेश से सुधा करो सागर में, यशोदा सुरेश जी की तरफ से बुलडाणा मराठी से सुधा 3600 रुपए की सौग्रह से आपने समृद्ध की, मनीषा जय रामबाई जी परमार की तरफ से गुजरात से सुधा 3001 रुपए की सौरक्षित आपने समृद्ध की, प्रदीप जी परमार लुधियाना पंजाब से सुधा 1000 रुपए, उर्वशी सिंह जी चौहान की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से बांधवगढ़ में, मिलिन जी चौधरी की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुधा आपने 1100 रुपए की सौरक्षित समृद्ध की, पवन विपिन कुमार जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 1000 रुपए, सोहन सिंह जी की तरफ से कन्नार हरियाणा सुधा बांधवगढ़ में, रवि देवी जी की तरफ से खगड़िया बिहार से सुधा आपने 1500 रुपए की सौरक्षित समर्पित की, बहुत बहुत बधाई भूपेंद्र सुभाष जी की तरफ से जलगांव मराठे तो सुधा बांधवगढ़ में, विजय जी भट्ट की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा करो सागर में, आईजी श्रीवास्तव की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए, नंदा शांतिलाल जी वर्मा की तरफ से मुंबई से सुधा बांधवगढ़ में, दिलीप जी जावले की तरफ से खामगांव मराठे तो सुधा बांधवगढ़ में, पवन कुमार जी साहू करबदा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की सौग्रह से आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सौग्रह से आपने समर्पित की, रोहित कुमार जी दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की सौग्रह से आपने समर्पित की, राजेंद्र जी निलमारकर की तरफ से पुणे मराठे तो सुधा 1100 रुपए, रत्नीला महेश सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा बांधवगढ़ में, बद्री प्रसाद जी खड़ी की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा बांधवगढ़ रुपए, नरेंद्र कुमार जी की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की सौग्रह से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सौग्रह से समृद्ध की, राम सिंह जी ठाकुर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा बांधवगढ़ में, प्रदीप जी महावर की तरफ से काजगंज उत्तर प्रदेश से बांधवगढ़ में, उमेश दिलीप जी सोनमारे की तरफ से नासिक मराठे से सुधा बांधवगढ़ में, मनुलाल जी केजवाज की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की सौग्रह से आपने समृद्ध की, सुंदरलाल जी सोना देवी जी की तरफ से सुधर आपने 500 रुपए की सौग्रह से समर्पित की, राजेंद्र सिंह जी खिंची की तरफ से इकलेरा राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सौग्रह से आपने समृद्ध की, उद्धव वेंकटराव जी हिरवे की तरफ से परवानी महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सौग्रह से आपने समृद्ध की, अनिल कुमार जी पांडे की तरफ से मेलागंज से सुंदर आपने 500 रुपए की सौग्रह से समृद्ध की, मोहन सिंह जी चौहान की तरफ से पीतमपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, जय कुमार जी शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, जितेंद्र सिंह जी श्रीवास्तव की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 1500 रुपए की सौग्रह से समर्पित की, अनिल कुमार जी बेगूसराय बिहार से सुधा बांधवगढ़ में, स्वर्गीय सकाराम दादराव जी भिड़घर की तरफ से पल्ली बैजनाथ से सुधा 500 रुपए की सौग्रह से आपने समृद्ध की, हिमांशु जी शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौग्रह से आपने समृद्ध की, भारतराज जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए की सौग्रह से आपने समृद्ध की, गणेश पांडुरंग जी की तरफ से चिंचपाड़ से सुधा 500 रुपए की सौग्रह से आपने समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई मनोज जी श्रीवास्तव की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, किशोर जी मारू की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सौग्रह से आपने समृद्ध की, पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु भजन हम सभी समर्पण करेंगे, जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति ज्ञान की पिला दो गुरुदेव दर्द भयो नस नस में। खोटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव दर्द भयो नस नस में। हो नस नस में हो नहीं बस में। नस नस भाने सोया में जगा दो गुरुदेव दर्द भर नस नस में। बोटी जान की पिला दो गुरुदेव दर्द भर नस नस में। हो चारे जो महीना जाड़ा के लागे चारे कमल नाम का दिला दो गुरुदेव दर्द भय नस नस में। बोटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव दर्द भय नस नस में। भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। हम आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के तीसरे दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य यजमान आदरणीय सांसद महोदय श्रीमती नवदीप जी राणा, आदरणीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा एवं मुख्य नियोजक चंद्र कुमार जी जजोड़िया उर्फ लप्पी भैया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी यजमान परिवार का। सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा। मैं बड़े ही आदर और सम्मान से आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी को मंच पर पधार कर हम सभी को सुंदर 2 मिनट का उद्बोधन प्रदान करें। श्री शिवाय श्री शिवाय। आज यहाँ पे महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा। या ठिकाणी बसलेली संपूर्ण मातृशक्ती यांच्या चरणी सुद्धा मी नमन करीन आणि महाराज जी के इतनी विनंती करूंगा कि आज हमने किसानों की जो विधवा महिला है जो हमारे विदर्भ में जो किसान है वो नापिकी की वजह से आत्महत्या करते हैं तो आज किसानों की जो विधवा महिला है उनको हमने यहाँ पे आरती के लिए बुलाया और जो हमारे आरोग्य विभाग में जो आरोग्य सेविका है जो आरोग्य विभाग में नर्स के रूप में सेवा देती है उनको भी यहाँ पे आरती के लिए बुलाया
तो महाराज जी के चरणों में इतना ही कहूंगा मैं, इतनी विनंती करूंगा कि यहाँ के किसानों का मनोबल मजबूत होना चाहिए, जो बार बार उनका मनोबल घटने से वो आत्महत्या की तरफ जाते हैं और पूरा परिवार रुक जाता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और आपसे भी प्रार्थना करूंगा, उनमें इतनी शक्ति दे कि हर कठिनाई का साहस वो कर पाए। और हमारे किसान जब खेती करते तब ऊपर वाला जब कभी बारिश होती नहीं है, फसल होती नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनमें इतनी भगवान शक्ति दे कि वो आत्महत्या ना करे, क्योंकि वो परिवार उनके पीछे रहता है और परिवार का जब एकादा व्यक्ति चले जाता है तो पूरा परिवार उद्वस्त हो जाता है। इसलिए मैं महाराज जी का मैंने देखा कल, उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग लोग आते तो उनको अपने गाड़ी पे बैठा के लाना चाहिए, और आज मैंने देखा महाराज जी ने कहा और कितने युवा अपने गाड़ी पे बुजुर्गों को ला रहे थे। उसी तरह अगर आज महाराज जी ने कहा कि किसान मजबूत रहना चाहिए, उसका मनोबल मजबूत होना चाहिए, तो कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, विदर्भ का किसान मजबूत रहेगा, भगवान उसको शक्ति देगा। और इतने साक्षात शिव भगवान के आशीर्वाद से हमारे बीच ही शिव भगवान आए, जिनके आशीर्वाद से, इनके वाणी से हर किसी को शक्ति मिलती है। और इतनी बड़ी शक्ति अगर विदर्भ में आई है, अमरावती जिले में आई है, तो मुझे लगता है यहाँ का किसान भी पूरी तरह से मजबूत होगा। मैं श्योर गया था महाराज जी के आश्रम में, मैंने देखा, मेरा साक्षात वहां पे दर्शन हुआ, वहां का एक एक कंकर शंकर है ऐसी पूजा वहां पे हो रही थी। और वहां पे जो जो लोगों ने जो जो मांगा वो शंकर भगवान के आशीर्वाद से, महाराज जी की कृपा से हर व्यक्ति को मिला। और वहां का एक एक व्यक्ति जिस तरीके से पूजा कर रहा था, दर्शन कर रहा था, मुझे लगता है शिवर का जो आश्रम है वो साक्षात ईश्वर की शक्ति वहां पे प्रकट हुई है। इसलिए वहां पे बहुत सारे जो भक्त है वो अपनी मनोकामना लेके जाते हैं और वहां पूरी होती है, ये मैंने आंखों से देखा है। इसी में महाराज जी से प्रार्थना करूंगा यहाँ हमारे किसानों को भी पूरा आशीर्वाद मिले, यहाँ के हमारी मजदूर लोग हैं, हमारे कमजोर कुछ लोग हैं, हमारे मेल घाट के आदिवासी लोग हैं, उनको भी आशीर्वाद दें। यहाँ के उद्योग जनक के लोग हैं, छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, सबको ताकत मिलना चाहिए, यही मैं प्रार्थना करूँगा। और यहाँ किसानों की महिलाएं जब आरती करेंगी तो मुझे लगता है इसमें से अपने सबको संदेश मिलेगा। पहले दिन आदिवासी परिवारों ने आरती की, दूसरे दिन हमारे साफ सफाई कर्मचारियों ने आरती की, आज यहाँ पे किसानों की महिलाएं आरती करेंगी, हमारी जो नर्स है जो आरोग्य सेविका करके हॉस्पिटल में सेवा करती है वो भी आज आरती करने वाली है, और कल यहाँ पे माजी सैनिक जो बॉर्डर पे लड़ते हैं उनके परिवार यहाँ पे आरती करने वाले हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है जो यहाँ पे इस मंच पे सभी के लिए प्रार्थना कर रहे, सभी के मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए मैं महाराज जी के चरणों में नमन करूंगा और हमारे यहाँ के किसानों को शक्ति मिलेंगी महाराज जी के माध्यम से, यही प्रार्थना करूंगा। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन आदरणीय विधायक जी ने दिया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, चाय हो या चाह हो, रंग एकदम पक्का होना चाहिए, फिक्र हो या जिक्र हो, रिश्तों में अपनापन होना चाहिए, जीवन में हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम सभी को हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए, हीरा परखने वाला फिर भी मिल जाएगा पर पीड़ा परखने वाला व्यक्ति हमेशा महत्वपूर्ण होता है। आदरणीय विधायक महोदय ने बड़ा ही सुंदर उद्बोधन में केवल किसान हित के लिए और छोटे व्यापारियों हित के लिए ही बात करी, और ऐसा ही भाव सभी के हृदय में होना चाहिए। निरंतर हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, यही बात अपने मन में, अपने हृदय में संजोना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण करते हैं, और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर भी जो कुबेरेश्वर धाम बनने जा रहा है वे निश्चित ही एक अद्भुत है, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि उस धारा पर विद्यमान होती है।
सभी भक्त अपने मन की बात लेकर उस धारा पर पहुंचते हैं और निरंतर ही उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी पावन धारा, ऐसी पावन भूमि, निरंतर वहां पर भगवान की कृपा दृष्टि उस धारा पर विद्यमान होती है। इसी क्रम में सेवा का क्रम भी उस धारा से प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है। चाहे गौ माता की सेवा हो, चाहे भोजन भंडारे की सेवा हो, या फिर प्राथमिक उपचार केंद्र में स्वास्थ्य के संबंधित कोई सेवा हो, निरंतर श्री विठले सेवा समिति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आप भी इन प्रकल्पों से पूज्य गुरुदेव के साथ में जुड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और अपने इन प्रकल्पों से सुंदर आप भी किसी भी प्रकार से सहायता कर सकते हैं, सनातन धर्म के हित में कार्य कर सकते हैं। सुंदर, तो जिन दानदाताओं ने अपनी स्वग्रासी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के दो अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों में से किसी में भी अकाउंट में अपनी स्वग्रासी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त या अमरावती की पावन धारा पर अपनी स्वग्रासी समर्पित करना चाहते हैं, वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय बना हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वग्रासी जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। सुंदर, कथा के आज तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान तारो यत्पदान सुजनम तनीम तत्चार्यालम प्रमामी यदनुर्दो जंतुआ सर्वदुखाति गो भवित्तमं सर्वदा वंदे श्रीमद्भगवन्मन्दनं
अज्ञान तो मेरा घास से ज्ञान जो चला गया तो छोटे नमी देना तस्मे छोड़ गए नमा मृदय शेष लीला छुद्धि शयनम लक्ष्मी सहस्रनाम सर्वमान कलाम चतुर्भिश्व 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 त्रिस्तवाश पर जाए थे उसको पंचला हृदय कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी
पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी। अमरावती नगर के सभी श्रोता भाई बहन, जो इस पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए आप और हम विराजमान हैं, कथा मंडप में विराजित सभी संत साधु ब्राह्मण जन गुरुजन सन्यासी तपस्वी साधक उपासक श्री हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट कथा के मुख्य यजमान श्री सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा, विधायक श्री रवि जी राणा हनुमानगढ़ी अमरावती, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एक बहुत अच्छी पहल माननीय श्री रवि जी राणा जी ने, सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छी पहल करी है। अभी तक जहाँ कहीं भी कथा हुई है, आरती हुई है, आरती में सारे VIP आमंत्रित रहते हैं, पर नवनीत जी राणा जी ने और रवि जी राणा जी ने जो पहल करी है, जिसमें आदिवासी लोगों को, जो किसान परिवार को चलाने की बहुत बल रखता है, जमीन को फाड़ कर बीज उत्पन्न कर देता है, पर अपने मन को बलवान नहीं बना पाता और किसी कारणवश अपने प्राणों को त्याग देता है, उनके घर की स्त्रियों को, माताओं को यहाँ तक लेकर आना, उनसे आरती करवाना, एक झाड़ू लगाने वाला स्वीपर हो, गंदगी साफ करने वाला कोई सेवादार हो, उससे आरती करवाना, हॉस्पिटल की नर्सें सेवादार जो सेवा कर रही हैं उनसे आरती करवाना, भारत की बॉर्डर पर जो खड़े होकर आर्मी के जवान सेवा में लगे हैं उनके परिवार से आरती कराना, ये इतनी सारी शिव महापुराण की कथा हमने करी है, पर आपने जो ये कथा में नई पहल दी है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय श्रीमती सांसद नवनीत जी राणा जी को, विधायक श्री रवि जी राणा जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छी पहल शिव महापुराण में करी है और आगे जो जो कथा होंगी उसमें लोगों को प्रेरणा दी है।
तो उसकी प्रेरणा लोगों को मिलेगी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अपने लिए तो दुनिया करती है, पर कभी अगर करने का मौका मिल जाए। एक बात हम पहले कथा में कहे हैं कि मरना तो सबको है, ऐसा कौन संसार में जन्मा जो मरेगा नहीं, मरना सबको है। पर अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, जैसे माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी ने अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो लड़ाई करी है, मरना सबको है, पर अपने धर्म के लिए कर कुछ जाओगे तो मरने के बाद भी पुजाते जाओगे, ये जिंदगी की एक सार्थकता। जाना सबको है, ऐसा कौन संसार में जन्मा जिसकी मृत्यु नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब आए सब गए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता सती जी को यही कहा, सती को समझाया। जब माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया यज्ञ के कुंड के अंदर, यज्ञ की अग्नि के अंदर, शिव जी को थोड़ा सा बुरा लगा। कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, अच्छा काम हो रहा हो, और उसमें तुम बीच में अग्नि में कूद जाओ, ये अच्छी बात थोड़ी ना। अब अपने अमरावती में इतना बड़ा धर्म का आयोजन हो रहा है, शायद अमरावती के इतिहास का पहला शिव कुंभ है जो अमरावती में लगा। लोगों को यहां से निकलने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं केवल यहां से निकलने में, इतने भक्तों का सैलाब। जो टीवी पर सुन रहे होंगे, आस्था चैनल पर सुन रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे होंगे, वो इस भक्तों के सैलाब को, शिव भक्तों के इन सैलाब को देख रहे होंगे। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जैसे अपने नगर में हो रहा है, राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा था, बड़ा आयोजन हो रहा था, और इतने बड़े आयोजन में सती मैया उस अग्नि में कूद कर मर जाएं, प्राण छोड़ दें, तो अच्छा लगेगा क्या भगवान शिव को? आप अगर धर्म की जय बोलते हो, अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण, आप अगर धर्म की जय बोल रहे हो तो इतना अंदाजा आपकी उस बुद्धि में होना चाहिए कि धर्म की जय कब होती है, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, तब धर्म की जय बोलने का हक हमारे अंदर आ सकता है। तब धर्म की जय बोलने का हक हमारे भीतर आ सकता। अब इतना बड़ा यज्ञ राजा दक्ष प्रजापति के यहां हो रहा है और उस यज्ञ में माता सती अपने प्राणों को त्याग दे, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना। इतना बड़ा यज्ञ अमरावती की माँ अंबा की इस पवित्र भूमि पर हो रहा हो, इतनी बड़ी शिव महापुराण, कोई कुछ कह दे, उसमें उसकी श्रेष्ठता नहीं बनती, उसमें उसका एक आनंद नहीं बनता। अगर धर्म का कार्य हो रहा है, बन सके उस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जैसे अभी माननीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी कह रहे थे
कि कल इस व्यासपीठ ने कहा कि नवयुवक बेटा बेटी अपनी अपनी स्कूटी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, टू व्हीलर लेकर जो वृद्ध लोग हैं उनको कथा स्थल तक छोड़ो। और आज वास्तव में हमको भी प्रसन्नता है कि हम आ रहे थे तो बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को लोग यहाँ तक छोड़ रहे थे। हम धन्यवाद देंगे विधायक श्री रवि जी राणा जी को, जिन्होंने कम से कम देखा तो कि ये चीज़ यहाँ चालू हो गई। और हमें विश्वास है ये विदर्भ की भूमि है, ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है विदर्भ की, जहाँ राम जी की, दादाजी की ससुराल है, जहाँ भगवान कृष्ण की ससुराल है, जहाँ भगवान राम के सूर्यवंश में राजा सगर की ससुराल है। ये विदर्भ की भूमि से ही भगवान कृष्ण अपने लिए कन्या लेकर गए, इस विदर्भ की भूमि से राम जी के दादाजी अपने लिए कन्या लेकर गए, इस विदर्भ की भूमि से सूर्यवंश के राजा सगर अपने लिए कन्या लेकर गए। आखिर इस विदर्भ की भूमि में ऐसा क्या है? क्या दुनिया में और जगह कन्याएं नहीं है? पर विदर्भ के भूमि की जो कन्या है ये कन्या शिव के प्रति, भक्ति के प्रति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होती है, पूर्ण समर्पित। इनके भीतर जो भाव है भगवान के चरणारविंद के प्रति, अभी हम आ रहे थे तब एक हमारा जो ड्राइवर हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं, हम उनको तो कहेंगे कि वो शिव हैं जो हमको यहाँ तक लेकर आते हैं, तो वो गाड़ी का हॉर्न दे रहे थे और एक लड़की दो तीन बुजुर्ग महिलाओं को अपनी गाड़ी पर बिठा रही थी, जिनके हाथ कांप रहे थे उनको अपनी गाड़ी पर बिठाकर एक लड़की लेकर जा रही थी। उसके पास में एक महिला खड़ी थी, उस महिला ने उस लड़की की पीठ को थपथपाया, कहा बेटी ये मेरी सास है, जिद पकड़ कर बैठी थी कि अपने नगर में कथा हो रही है, एक बार मुझे बस दर्शन करा ला। हमने कहा सीओर वाले महाराज का दर्शन नहीं होगा, तो मेरी सास कह रही थी तू चल तो सरी, नहीं होगा तो उस भूमि को हम प्रणाम कर लेंगे, कंकर शंकर को नमन कर लेंगे, पर हमें लेकर तो चल। बेटी को धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि हमारा ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था और उसने पीछे पलट कर देखा, और बुजुर्ग महिला ने पीछे पलट कर देखा तो बेटी को और थपथपा कर कहा मेरे दोनों काम हो गए, दोनों काम हो गए। अब इतना विश्वास इस विदर्भ की भूमि पर है, लोगों का भाव बड़ा शुभ बहुत। और ये हम आज से नहीं देख रहे हैं इस विदर्भ की भूमि को, हम पहले एक बार 22 साल पहले अमरावती आए थे, मणि बहन मणिरत्न खाद वाले जो सोनी जी हैं उनके यहाँ की माता जी, उनके कथा काशी रामेश्वर करी थी, उस समय पर एक बार यहाँ आना हुआ था, एक दो दिन के लिए यहाँ 22 वर्ष पहले। उनकी दो बहनें थी नारायणी बाई और कमला बाई, वो दोनों भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थी। अब मणिबाई तो नहीं है, कमला बाई भी नहीं है, पर नारायणी बाई आज भी है और उनकी भक्ति आज भी शिव के प्रति, नारायण के प्रति रमी रहती है। विदर्भ ने क्या दिया? विदर्भ क्या प्रदान करता है? तो कहा विदर्भ जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो विदर्भ देता है, जैसे खुले में हनुमान चालीसा विदर्भ ने दी है। खुले में हनुमान चालीसा करना भी विदर्भ ने दिया,
बोलो सही है कि गलत है। ये भी विदर्भ की बेटी ने दिया, ये भी विदर्भ की रोहिणी ने दिया। एक सुख, एक आनंद, शिव के प्रति जो जागरूकता आपके भीतर है वो रहना चाहिए। सती तू और कहीं प्राणों को त्याग देती तो मेरे को खुशी होती, पर तू यज्ञ की अग्नि में प्राणों को त्यागी इसलिए मेरा मन खुश नहीं। अपने नगर में जब कोई कार्य हो, अपने नगर में कोई धार्मिक आयोजन हो, अपने नगर में जब कोई भगवत भजन का कार्य हो, शिव पुराण, रामायण, गीता, भागवत, अपने नगर में जब कहीं पर भी हो तो बन सके तो थोड़ा उसमें धन से सहयोग, नहीं बन सके तन से भी सहयोग नहीं बन सके तो मन से सहयोग दो। कोई आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाओ, उसको पकड़ कर पीछे नहीं कर, उसको अग्रण्यता दो। वो जितना बढ़ता जाएगा आपको उतनी खुशी होना चाहिए बढ़ रहा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। सती ने एक गलती कर दी कि वो धार्मिक आयोजन के उस यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग दी, इसलिए शिव जी को क्रोध आ गया। लड़ना है आपको, पूरा घर पड़ा है, खूब लड़ो। क्रोध करना है आपको, पूरी दुनिया पड़ी है, खूब क्रोध करो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि इस पंडाल के अंदर, शिव महापुराण की कथा के अंदर, शंकर के शिवालय के अंदर, शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, आपकी जगह पर कोई दूसरा भी बैठ गया है तो आप उधर से खसक कर बैठ जाओ, पर अपने मुंह से अपशब्द मत कहना, एक बार भी आड़ा टेढ़ा ना करो। ठीक है, आप बैठ गए, कोई बात नहीं, बैठो। शिव है ना, आप में भी शंकर है, हम में भी शंकर है, शंकर कथा सुन रहा है, बैठो, विराज। थोड़ा तपन, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है और बहुत कुछ सिखा कर जाता है। एक कुमार ने बहुत सारे मटके बनाए। मटका बोलते हो, हंडा बोलते हो कि मटकी बोलते हो, क्या बोलते इधर? मटका, मिट्टी का मटका, समझ जाओगे ना। एक कुम्हार ने मटके बनाए, बहुत सारे पानी के मटके बनाए और बहुत सारे पानी के हंडे, बहुत सारी गगरी पानी की गगरे हंडे बनाए। अग्नि में तपाया, जैसे ही अग्नि में तपाने के लिए मटकों को लेकर चला, उसमें से एक मटका छुप गया। क्यों छुपा? क्योंकि अग्नि की तपन उसको तपाएगी तो उसको कष्ट होगा। मुझे इतना कष्ट नहीं सहना, मैं इतना कष्ट नहीं सह सकता, मैं इस अग्नि की तपन को, मैं इतनी ज्वाला को, इतनी आगी को मैं सह नहीं सकता, इसलिए वो मटका छुप गया। वो मटका छुप गया। अब सारे मटके अग्नि में तप रहे हैं और वो अकेला मटका छुप कर दुबक कर बैठ गया, मैं नहीं जलूंगा, ये जल जाएंगे। खूब हंस रहा है वो मटका, खूब हंसा। क्यों हंस रहा था? क्योंकि वो जल रहे थे, वो तप रहे थे, वो काले हो रहे थे, उनका शरीर काला पड़ रहा था, उनमें आग लग रही थी, और जो छुप कर बैठा था वो मुस्कुरा रहा था, वो हंस रहा था, वो प्रसन्न हो रहा था, वो हंस रहा है, वो प्रसन्न हो रहा। सारे मटके तप रहे, सारे मटके अग्नि में है, सारे मटके काले हो रहे हैं, तप रहे हैं, अग्नि में पड़े हुए हैं, और एक मटका छुप कर बैठा है, खूब हंस रहा है, खूब प्रसन्न हो रहा है कि मैं बच गया।
ये मटके की जो कथा है ना, ये आपकी और हमारी भी कथा है। जब अपने स्कूल में दवाई पिलाने वाले आते थे और इंजेक्शन लगाने वाले आते थे, तो सबसे पहले अपन ही भग जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? स्कूल में बच्चों को जब दवाई पिलाने आते हैं, इंजेक्शन लगाने आते हैं, और कभी कभी मेडिकल की टीम आती है, और सारे स्कूल के गेट बंद कर दिए जाते हैं चारों तरफ से। क्यों? स्कूल के गेट इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर को देखकर, सिस्टर को देख के सब भग जाएंगे, इंजेक्शन कोई नहीं लगवाएगा, दवाई कोई नहीं पिएगा। स्कूल के गेट बंद करे बड़े बड़े, सारी क्लासों में सूचना दे दी, आज मेडिकल कैंप लगा है, सबको दवाई लेना है, सबको इंजेक्शन लगवाना है। टिटनेस का इंजेक्शन सबको लगेगा, लाइन लगाओ। सब लाइन लगाते और अपन पीछे से खसक जाते। एक मटका छुप गया और छुप कर वो मटका बैठ गया और हंस रहा है, खूब हंस रहा है, खूब प्रसन्न। और वो मटका इतना हंसा, इतना प्रसन्न हुआ कि ये सब काले हो गए, ये सब जल गए, सब तप गए और मैं बच गया। समय आया, सारे मटके काले पड़ने के बाद में ठंडे हो गए, आग ठंडी हो गई, अग्नि ठंडी हो गई। और अग्नि जब ठंडी हुई, आग जब ठंडी हुई, अग्नि जब पूरी ठंडी हो गई, आग पूरी जब ठंडी हो गई, 2 घंटे निकले थे और तेज जलवृष्टि हो गई। इतना तेज पानी गिरा, इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतना तेज पानी गिरना प्रारंभ हुआ, जो छुपकर बैठा था वो पूरा गल के मट्टी में मिल गया, और जो अग्नि में तपे हुए थे वो पानी में भी अलमस्त होकर पड़े हुए, अलमस्त। ये कथा शिव महापुराण की ये हमको बताती है कि जब संसार में थोड़ा दुख आता है, हमें कष्ट मिलता है, हमें तकलीफ आती है, हमें दुख आता है, हमें कष्ट आता है, हमारे जीवन में जब तकलीफें बढ़ती है, हमारे जीवन में जब कष्ट बढ़ता है, हमारे जीवन में जब दुख बढ़ता है, तो ये हमको तपाने के लिए आता है कि तुम अच्छे मजबूत हो जाओ। अभी जैसे विधायक जी ने कहा, माननीय श्री रवि जी राणा जी ने, कि किसान को थोड़ी सी फसल नहीं आती या थोड़ा सा अनाज नहीं आता, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो वो किसान अपने प्राणों को त्याग देता। क्यों? किस लिए? तप रहे हो, खूब तपो, छुप मत जाना। उस मटके के जैसे, मटके के जैसे अगर छुप गए, जम के जलवृष्टि हो गई, जम के पानी आ गया, तो गल जाओगे। जो तप गया, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, तकलीफें आई, और जिसने उस तपन को झेल लिया, जिसने उस कष्ट को झेल लिया, फिर वो कभी टूट कर जमीन पर नहीं गिरा, वो जमीन की मिट्टी में नहीं मिला, वो मजबूत रहा है और उसमें पानी भी भरा। कोई ने गाली दी ना, आपको मजबूत कर रहा है। कोई ने अपशब्द कहा ना, आपको मजबूत कर रहा है। कोई आड़ा टेढ़ा बोला ना, आपको मजबूत कर रहा है। एक पत्र है, मेरा नाम अनिल जगताप है, मैं अमरावती के बनेरा में रहता हूँ। मेरा नाम अनिल जगताप है,
मैं अमरावती के बड़नेरा में रहता हूँ। मेरा प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? दे, आप उत्तर देंगे क्या? कभी किस्मत भी बदलती है। मेरी जिंदगी पूर्णतः संघर्षों में गुजरी है, आज भी संघर्ष कर रहा हूं। कई बार इतना हार गया कि सब कुछ छोड़ने का मन करा, पर मोबाइल पर आपकी कथा सुनी तो कुछ इच्छा जागी, कुछ अच्छा लगा। बस आपसे प्रश्न है, क्या मेरी किस्मत बदलेगी? कपड़े बदलते हैं कि नहीं बदलते? अरे जम के बोलते जाओ, बदलते। यहां तक पहुंचे तो गाड़ी बदले कि नहीं बदले? बदली ना। चप्पल टूट गई तो चप्पल बदली कि नहीं बदली? घड़ी का पट्टा टूट गया तो पट्टा बदला कि नहीं बदला? गले का हार टूट गया तो हार बदला कि नहीं बदला? बोलते जाओ जम के, बदला। छत टूट गई, चद्दर बेकार हो गई तो चद्दर बदली कि नहीं बदली? दुकान का फर्श बेकार हो गया तो फर्श बदला कि नहीं बदला? बचपन से लेकर अभी तक की जिंदगी में मैं अनिल जगताप आपसे पूछता हूं कि आपके दोस्त बदले कि नहीं बदले? जो बचपन में दोस्त थे वो बदल कर दूसरे हो गए, दूसरे के बाद तीसरे हो गए, तीसरे के बाद चौथे हो गए। जब दोस्त बदल सकते हैं, छत बदल सकती है, चप्पल बदल सकती है, पहनावा बदल सकता है, कपड़े बदल सकते हैं, तो यह पक्का है तुम्हारा अगर कर्म अच्छा है तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। यदि कर्म अच्छा है तो किस्मत क्यों नहीं बदलेगी? हां, यदि कर्म बुरा है तो फिर किस्मत नहीं बदल सकती। क्या नहीं बदल सकता? कर्म बुरा है, इसलिए कलकत्ता में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना कानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। क्या ये पाएगा? क्या किस्मत बदलती है? क्यों नहीं बदलती? दोस्त बदले, बचपन में दूसरे थे, जवानी में दूसरे आए, बुढ़ापे में दूसरे आए। कपड़ा बदला, परिवार बदला, जिन बच्चों को माँ ने दूध पिलाया वो बच्चे ही बदल गए, तो तू किस्मत बदलने की बात कर रहा है? क्यों नहीं बदले? औलाद बदल जाती है, बोलो बोलो, सही है कि गलत है? औलाद बदल जाए तो किस्मत ना बदले। बस कर्म पक्का रखना, विश्वास दृढ़ रखना। जिसका भरोसा पक्का होता है वो कभी हारता नहीं है। दुनिया का, इस मृत्यु लोक का सबसे अच्छा पौधा कौन सा है? सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? जम के बोलो जल्दी से। इस मृत्यु लोक का, संसार सागर का सबसे अच्छा पौधा, सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? बेलपत्र का, पीपल का, आंवले का?
इस मृत्यु लोक का सबसे अच्छा पौधा, सबसे अच्छा वृक्ष है विश्वास, जो दिल में होना चाहिए। इस विश्वास को लगाने के लिए जमीन नहीं चाहिए, इस विश्वास को लगाने के लिए भूमि नहीं चाहिए, इस विश्वास को लगाने के लिए मिट्टी नहीं चाहिए। इस विश्वास को दिल में प्रकट करना पड़ता है, इस विश्वास को दिल में बोना पड़ता है। और विश्वास पक्का होता है तो उसको महाकाल कहते हैं, यमराज को काल कहते हैं और महादेव को महाकाल कहते हैं। एक पत्र है, देखिए, सो गया भाई अर्जुन दाड़ंगे रहवासी नांदूरा, रा नांदूरा, तहसील नांदूरा, जिला बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। सो गया भाई, आप लोग एलईडी पर भी इस पत्र को पढ़ सकते हैं, हम जितने पत्र पढ़ते हैं आप लोग टीवी पे पढ़ सकते हैं। सो गया भाई अर्जुन दाड़ंगे रा नांदूरा, तहसील नांदूरा, जिला बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव, क्या वर्णन करूं मैं, मेरा लड़का अमोल, उम्र 33 साल, 5 बहनों का एक ही भाई, एक दिन 12 जून 2023 को रात को 12:30 पर अनमोल के पेट में जोर से दर्द हुआ। उसके 15 दिन तक यूरिन नहीं जा पाया। 15 दिन तक जब यूरिन नहीं गया तो इसको हम अकोला के केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली, बोले किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए हैं, दोनों खराब हो गए। फिर उसके 17 दिन बाद डायलिसिस की प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। 65 दिन 3 महीने से ज्यादा उसको वेंटिलेटर पर रखा। कितने महीने, जम के बोलो जरा, इसमें दिन लिखे हैं 65 दिन, आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे, 65 दिन वेंटिलेटर पर रखा, 17 दिन लगातार डायलिसिस चलता रहा, हर 15-20 मिनट में डायलिसिस होता था। हम रोज हॉस्पिटल में बाबा से प्रार्थना करते, बाबा ये क्या हो गया। गुरुदेव, Become the maestro of money with SBI's digital banking. Effortlessly manage accounts, create fixed deposits, pay bills, borrow hassle-free, and redefine banking in the digital age. Your financial world simplified, all from the comfort of your home. 22 जून को जब दोपहर में मृत घोषित करा, तब एक घंटे बाद पूर्ण रूप से इसको मृत घोषित कर दिया। जब मृत घोषित करा, हमने डॉक्टर से निवेदन करा कि एक दिन और आप प्रयास करो, अगर इसमें सांस आ जाए, मेरा इकलौता लड़का, 5 बहनों का एक भाई है, एक ही इकलौता लड़का है, हमारे वंश में दूसरा कोई लड़का नहीं है, आप प्रयास करो ना डॉक्टर साहब, एक दिन और हॉस्पिटल में रखो। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे कहने से एक दिन हॉस्पिटल में रख लेते हैं, आप कागज पर लिख दो कि हमने एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा, हमारी कोई जवाबदारी नहीं, क्योंकि ये मर चुका है। हम डॉक्टर से कहकर एक दिन हमने रखा, रिश्तेदार को हमने तुरंत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करने को बोला, सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया, एक दिन मांगा था और सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया, उसको पानी के लोटे में हम वहीं से शंकर जी के मंदिर कुबेरेश्वर धाम से गला के लाए, और यहां आते से हमने उसको पानी की तैयारी करी। 5 शाम को अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी।
दूसरा दिन हो गया था, पत्र पढ़िएगा आप भी, दूसरे दिन रिश्तेदारों ने शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार की तैयारी करना प्रारंभ करी। दरवाजे पर बांस बाम्बू आ गए, सफ़ेद कपड़ा आ गया, आरती तैयार हो गई, हॉस्पिटल से लेकर आने की तैयारी हो गई। बहू ने कहा एक बार वो सियोर वाला महाराज कहता है उसका रुद्राक्ष का पानी आ जान दो, 20 मिनट और रुक जाओ, 20 मिनट। वो रुद्राक्ष का जल बेलपत्र शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर लगाया और पत्नी ने अपनी जब जम के अपने पति को पुकारा, बेटे के हाथ पैर हिलना प्रारंभ हुए, शरीर में कंपन हुआ और फिर वापस जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से 1 घंटे के अंदर वेंटिलेटर से उतर गया, उसका शरीर काम करने लगा और उसकी लीवर और किडनी भी ठीक हो गई। हम फोटो भी लगा रहे हैं गुरुजी, जब वो प्राण छोड़ चुका था उसका भी फोटो लगा है, जिस समय उसको कपड़ा उड़ा दिया गया था और उसके बाद जब वो ठीक हो गया उसके भी फोटो लगाए गए। ये शिव तत्व है, ओघड़ी शंभु। सो गया भाई अर्जुन दांगड़े, रह नांदूरा, तहसील नांदूरा, जिला बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, शंभु है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो हमने कल भी कहा था सीहोर का रुद्राक्ष ना तो बेचा जाता है ना कहीं भेजा जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको स्वयं कंकर शंकर की धरा पर आना पड़ेगा। कंकर जिसे आज माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि हमने उस जगह पर देखा है कि जो कंकर शंकर की पूजन कर कर आता है और जो मांगता है वो मिलता है। उस भूमि को नमन करो, प्रणाम करो, हाथ फैलाकर बाबा से मांगो, भले तुम संपदा के लिए मांग रहे हो, रोग मुक्ति के लिए मांग रहे हो, चाहे किस भाव से मांगो। हम जानते हैं अभी कुबेरेश्वर धाम पर व्यवस्थाएं नहीं है, आप लोगों के हिसाब से VIP कमरे नहीं है, रूम नहीं है, टीन शेड लगा है, हॉल बना है, जहाँ मर्जी पड़े सो जाओ, विश्राम करो, गादी तकिया लो, सब निःशुल्क में प्राप्त करके सो, वापिस जमा करो, भोजन प्रसाद में खिचड़ी महाप्रसाद का आनंद पाओ, रात्रि है पूरी सब्जी जो भी बन जाए आराम से पाओ, भगवान का भजन करो निःशुल्क। कोई रुद्राक्ष सीहोर कुबेरेश्वर धाम का कोई नहीं दे सकता। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लो, 100 रुपये दो ये लो, 500 रुपये दो ये लो, हम भेज देंगे सीहोर से बाहर, ना ना हमारी समिति के द्वारा अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा ने जब हमको रुद्राक्ष अपने नेत्र के अश्रु से फ्री दिया है तो हम बेचने वाले होते कौन है, वो उसने दिया है उसके। आप दिल रखो विश्वास, दुनिया का वो कौन सा पौधा है, दुनिया का वो कौन सा वृक्ष है जो सबसे सुंदर है, वो विश्वास है। आपका विश्वास जितना दृढ़ी होता है मेरा भोलेनाथ आपके सामने खड़ा मिलता है, आपकी दुख की घड़ी में आपके सामने। क्या किस्मत बदलती है, क्यों नहीं बदलती? जब सफेद कपड़ा उड़ा दिया जाए, सफेद कपड़ा जब उड़ा दिया जाए और पूर्ण तरह से व्यक्ति चला ही गया हो और उसके बाद भी शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार हो रहा हो और पूरे मैसेज डल गए हों, लोग आ गए हों, और उसके बाद भी अगर वो प्राण दे सकता है तो काल पर भी भारी महाकाल होता है।
काल पर भी भारी महाकाल होता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, अपने भीतर जो विश्वास को दृढ़ बना लेता है वो फिर भटकता नहीं। कहां भटका? आप विदर्भ की धरा पर कथा सुन रहे हो। ये विदर्भ की भूमि के विदर्भ के राजा विदर्भराज, इनका एक नियम बड़ा पक्का था। जैसे इनकी बहन का नियम था शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, ऐसे विदर्भराज का नियम था शंकर भगवान का दर्शन करने प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी जाना। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, हाँ प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को विदर्भ राज काशी के लिए निकल जाते थे। अपनी टोली तैयार करी, संत साधु गुरुजन तपस्वी जन सबको साथ लिया, भगवान का गुणगान करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते 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 चल दिया चले। अब विदर्भराज जब काशी के लिए चले और चलते चलते विदर्भराज का पड़ाव बीच मार्ग में रुका। आज विदर्भराज को नहीं मालूम था कि मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। ये विदर्भराज को नहीं मालूम है कि आज मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। कभी कभी तुम अगर अमरावती से बैतूल जा रहे हो, अमरावती से मंगरुलपीर जा रहे हो, अमरावती से वाशिम जा रहे हो, कभी तुम जाते जाते कहीं रुक गए होगे, तुमने एक होटल देखी होगी और तुमने उस होटल पर भोजन करा होगा तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर सब 500 रुपये का बहुत जोरदार भोजन मिलता है। पर तुमने अभी तक ऐसी होटल नहीं देखी होगी कि बीच में कोई ऐसी होटल मिली हो जहाँ 100 रुपये में भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। कभी अचानक वहाँ पहुँच जाते और 100 रुपए में भी भोजन मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं। अपन तो हमेशा 500 का खाते थे, 100 का मिल गया, कितनी अच्छी बात, कितना जोरदार भोजन। बताओ अपने तो ये होटल दिखी नहीं थी, कितनी खुशी हो जाती है, कितना आनंद हो जाता है। अब विदर्भराज जाते जाते कौंडल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उनको नहीं मालूम कि यहां कौंडल्य मुनि का आश्रम। उनके स्मरण में है ही नहीं। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है, गाड़ी में चलते चलते बैठे बैठे, बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पे रख के ताक रही थी, इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने उसको ध्यान लगाकर देखा शिवलिंग को, ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक क्षण के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल। शिव का दर्शन, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिवालय का दर्शन, ये शंकर की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जन्म मरण और परण, समझते हो ना तीन चीज। जन्म मतलब डॉक्टर ने कह दिया 14 तारीख को बहू की डिलीवरी होगी, मालूम पड़े 15 दिन और निकल गए या फिर 8 दिन पहले ही हो गई क्योंकि उसने जन्म देने वाला वो है। मरण, डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको घर ले जाओ, मालूम पड़े 2-4-6 महीने तो ये निकाल दिए।
आप में से कई बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जो दो चार बार तो इनकी बहुओं ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, फिर भी नहीं निपटी, फिर भी वैसी की वैसी है। और कई कई ये लोग ऐसे थे जिनका सोचा ही नहीं था कि इसको कोई बीमारी होगी, इसको कोई तकलीफ होगी, इसको कोई कष्ट होगा, और सुनने को मिल गया बेचारा मर गया, उसके प्राण छूट गए। मरण, जन्म उसके हाथ में, मरण उसके हाथ में, और परण, परण मतलब विवाह, शादी। किससे होना है, कितनी पत्रिका देखी, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें जितनी बैठी हुई हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, आपके लिए कितने लड़के देखे होंगे, ईमानदारी से बता, तुम खुद दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम्हारे लिए कितना लड़का देखा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। कितना देखा, कितना ढूंढा, बोलो री जी जी हो, ए उधर वाली सही है कि गलत है, सही है ना, कितने ढूंढे, किसी से पत्रिका नहीं मिली, किसी से नाम नहीं मिला, किसी का सम्मान पसंद नहीं आया, किसी की नाक टेढ़ी थी, किसी की आंख भेंगी थी, कोई अटका था, नाम पूछो तो अटक जाता था, पूछा नाम क्या तो के फू फूल चाहिए, दो घंटे में फू निकला, आधे घंटे में चंद निकला। बहुत आफत है इन लोगों से बचा। एक बार ग्वालियर में कथा थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 23-24 साल पहले की बात होगी। उस समय ग्वालियर में तांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ी, ग्वालियर में चलते थे घोड़ा गाड़ी। हम गए थे कथा करने के लिए जाखेटिया फैमिली में, और मेडिकल वाले जाखेटिया जी के यहाँ कथा थी। हमने कहा जाखेटिया जी तुम्हारे यहाँ पर एक मंदिर अच्छा है, उसका दर्शन करने जाएंगे। जैसे हमने कल उनसे कह दिया विधायक जी से कि आपके यहाँ मंदिर अच्छा है, हम दर्शन करने जाएंगे, तो उनने तो कह दिया अब इस समय तो गाड़ियाँ चलती तो वो गाड़ी लगा देंगे। उस समय तो हमने कहा जाखेटिया जी दर्शन करने जाएंगे, तो वो बोले गुरु जी गाड़ी लगवा दें। हमने कहा गाड़ी रहने दो, हमारी भी तो बुद्धि फिर गई थी। हमने कहा तुम्हारी वो घोड़ा गाड़ी लगवा दो तांगा। अच्छा, उस दिन से तांगे में बैठने में थोड़ा सा डर भी लगता है। हम जब शुरू में आए थे ना ये अमरावती में, अभी कथा चालू हुई उसके एक दिन पहले हम जब यहाँ पहुँचे, तो हमारे विधायक महोदय ने भी हमारे लिए वो घोड़ा गाड़ी लगाई थी। अब हमारी तो जान दुख दुख हुआ है, अब हमारी जान दुख दुख हुआ, क्योंकि वो कहते ना कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक के पीता। अब ग्वालियर में हमने कहा जाखेटिया जी तुम एक काम करो घोड़ा गाड़ी लगाओ। अब उन्होंने घोड़ा गाड़ी लगा दी, उनका एक नौकर था उसको मालूम था वो मंदिर कहाँ है, उसको आगे बिठा दिया, हम सब पीछे बैठ गए। अब हम पीछे भी सीट थी आगे भी थी, वो इधर नौकर बैठा इधर हम बैठे, गाड़ा तांगा चलाने वाला चलाता, पीछे सारे लड़के आशीष और ब्राह्मण और सब पीछे भर गए, और घोड़ा वाला चलाते जाए चलाते जाए, और जो साथ में बैठा था वो उनका जाखेटिया जी का सेवादार मेडिकल संभालने वाला, ओके ना तांगा इधर मोड़ दे, ओके भोजन इधर 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 मोड़ दे। अब यहाँ तांगा और वो झंडा लगाए ना बीच में, वहाँ खड्डा। अब हमको नहीं मालूम था कि ये जो हमारे को मंदिर लेके जा रही है ये अटक जाता है, हमको नहीं मालूम था। वो यहीं से चालू हो गया, हम सोचे खांसी आ रही है। अब हमको क्या मालूम था कि हुआ क्या इसको, हम पीछे बोल रहे पानी लाए हो तो कह नहीं ला, तो ये आखिरी में वो तांगा खड्डे में गिर गया। जो खड्डे में गिरा तो मां इसके मुंह से निकला डा, ये इधर हम उधर। मोहल्ले के लोगों ने उठाया, पट्टा पट्टी बनवाया। कभी आपको मौका लगे तो वो कथा भी यूट्यूब पे डली होगी जिसमें हम हाथ में पट्टा बांध के कथा बांध चले थे, तीसरे दिन की कथा थी।
अब पट्टा पट्टी बांध के जाखेटिया जी के यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा गुरु जी ये क्या, हमने कहा कुछ नहीं ये खाओ इधर डा, ऐसा तुमने आदमी भेजा कि वो अटक गया यहाँ से वो पहुँचा मांडा निकल। जाकेटिया जी बोले गलती हो गई गुरु जी, हमने कोई गलती वाली बात नहीं, हमें क्या मालूम था कि बहुत दूर तक खड्डा चलता है। अभी हमारे विधायक जी ने हमको वो घोड़ा गाड़ी पे बिठाया, हमने सबसे पहले जोशी जी से पूछा बलगांव वाले से, आगे जो गाड़ी चला रहा है उसका पूरा नाम पूछ के आओ। और जोशी जी ने उससे उसका नाम पूछा, फिर हमको आके बताया उसका नाम ये है। हमने कहा पूरा बोल रहा है, पूरा बोल रहा है, चला अब भरा उसको। अरे भाई शिव शिव, जब चलती हुई गाड़ी में कहीं शिवालय का दर्शन हो जाए तो समझना कि तुम्हारी किस्मत बड़ी प्रबल है, आज तुम्हें बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो गया। जिंदगी में एक गलती कभी मत करो। जो शंकर को मानने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, वो जिंदगी में एक गलती कभी मत करना। अपने 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करो, नमन करो, पर जिंदगी में किसी दूसरे की धर्म की कोई स्थान हो मां अपना माथा कभी मत झुका। अपना सिर को सिर बना कर रखो, नरियल मत बनाओ कि हर कहीं फोड़ दिया। अपने देवताओं के आगे मस्तक झुकाओ, दूसरे के आगे नहीं। कोई कहे कि यहां पर वो बना था इसलिए हमने उसको प्रणाम कर लिया, उनको बुरा लग जाएगा। अपनी सास को छोड़कर पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। अरे बोलो तो जम के। अपनी सास को तुम भले प्रणाम मत करो, पड़ोसन को कितना भी कर लो वो सोने की अंगूठी दे देगी। विदर्भ की पड़ोसन देती होगी, हमारे यहां की नहीं देती, हमारे सीओर की तो कभी नहीं देगी, भूतों में भविष्य। तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे सकती होगी, तुम प्रणाम करोगे चाय पिलाओगे, काकी जी आओ साहब, काकी जी आओ साहब, काका जी आओ साहब, इनको पिलाओ उनको पिलाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हमारे यहाँ नहीं देते। घर की सास को तुम प्रणाम करो मत करो तो भी सास अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देती है, इसलिए निवेदन है किसी दूसरे धर्म को तुम कितना भी नमन कर लो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, देगा तो हमारा सनातन धर्म ही देगा। सनातन धर्म के सिवा कोई नहीं दे सकता, जो देगा वो सनातन धर्म देगा। क्यों झुके हम किसी के आगे? जरा सा कपड़ा डला हुआ देखा, फिर कहीं पे कपड़ा डला हुआ देखा, भगवान ने भी सोचा लगा ले पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा, अब आना मेरे पास लोटा भर के जल चढ़ा ले, अब आ तू लगा। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम, यहाँ का एक एक बच्चा राम है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म नहीं, कोई कितना ही कहे हमें नहीं जाना। पति कितने होते हैं? अरे बोलो तो तुम बोलो जरा जम के। पति एक है तो परमात्मा भी एक है, देव अधिदेव महादेव
मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव एक है। कहां भटकना हमको, कहां जाए, किस जगह पर? शिव कथा कह रही है। विदर्भ राज कौंडल्य मुनि के आश्रम में बिना अनायास, बिना सोचे पहली बार पड़ाव रुका और वहीं पर पहुंच गए, वहीं पर सीधे कौंडल्य मुनि के आश्रम में। एकदम ध्यान चले जाए शिवजी पे, समझ लो किस्मत सवर गई। अचानक तुम्हारे घर के लोग कह दे, कहाँ जा रही हो? तुमने पूछा क्यों कहाँ जा रहे हो? अरे अमरावती में कथा चल रही है। अच्छा, सवेरे गाड़ी जाएगी, 4 बजे हम निकलेंगे, तू चल रही? जरूर चलो। जल्दी से जाके 2-4 रोटी बनाई, पराठा मराठा सेक के कपड़े में बांध के गाड़ी में बैठ गई। आते आते 4 में से 2 निपटा गए। आगे वाली पूछ रही थी, क्या हो गया? ठंड है, दांत कटकटा, दांत कटकटा रहा है कि वो जो पूड़ी बना के लाई है वो कटकटा रही है? दांत कटकटा रहा। अब मन करा पहुंच गई, क्योंकि दिल में वो शिव था। विदर्भराज के दिल में विश्वनाथ बसे हुए थे, विश्वनाथ। जाते जाते बीच में कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुक गए, कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुके। आज तक नहीं गए थे, पहली बार आज तक नहीं गए। और कौंडल्य To get fresh, hot food delivered at your seat, download Rail Feast app. Fill in the train details, select from where and what would you like to eat. Fill in your seat details and feast as you travel. पूछा, मुनि जी आश्रम वाले नेत्र कब खोलेंगे, इनका दर्शन कब? कहा, पता नहीं कब नेत्र खोलें। राजा कौंडल्य ने, कौंडल्य मुनि के आश्रम में राजा विदर्भराज ने सोच लिया, अब जब तक मुनि नेत्र खोलकर मुझे दर्शन नहीं देते तब तक मैं जाऊंगा भी, तब तक नहीं जाऊंगा। संकल्प जब हमारा पक्का होता है तो परमात्मा उसको पूर्ण करता है। एक पत्र है, देखिए। पहले देख लो, पूरी रिपोर्ट लगाई है, पूरी फाइल लगाई है, आप लोग टीवी के माध्यम से एक्सरे भी लगाया गया है और साथ में पूरी मेडिकल की रिपोर्टें लगाई गई हैं। आप सारी रिपोर्ट एलईडी के माध्यम से और टीवी के माध्यम से सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं। सारी रिपोर्टें मेडिकल की लगाई गई। अब पत्र है, मैं पुसत शहर महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम सूरज नेवल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सूरज नेवल है, मैं पुसत शहर महाराष्ट्र से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा, इधर है क्या? हाँ, हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, दिख गए। बच्चे को लाए हो के साथ में? लिया उसको ऊपर लिया। मैं पुसत शहर महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम सूरज नेवल है, मेरा मोबाइल नंबर यह है। स्वामी जी, पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूँ? मेरी बीबी को 7वां महीना चल रहा था,
डॉक्टर पर सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया, डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। फिर हमारा मन नहीं माना, हम इसको नांदेड़ ले गए, नांदेड़ के डॉक्टरों से रिपोर्ट दिखाई, नांदेड़ के डॉक्टरों ने वापस सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी देखकर नांदेड़ के डॉक्टरों ने कहा कि इसकी यह किडनी नहीं है और इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, ये बच्ची विकलांग है, इस बच्चे को आप चाहो तो रखो, नहीं तो सातवां महीना चल रहा है, ये बच्चा किसी काम का नहीं, ये कभी जिंदगी में बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, इसकी किडनी नहीं है, इसको भोजन नहीं पचेगा, इसकी यूरिन की प्रॉब्लम रहेगी, उसका शरीर कुछ ही समय का रहेगा। तब मेरी माता ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरी धर्मपत्नी शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करी, उसका आचमन नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, सातवें महीने में डॉक्टर ने कह दिया था इसकी किडनी नहीं है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, बच्चा विकलांग है, मानसिक बुद्धि से भी बेकार रहेगा, हमने उस बच्चे को रखा और शंकर के भरोसे छोड़ दिया। मेरी माता ने पशुपति व्रत करे, मेरी पत्नी ने शिवजी को जल चढ़ाया, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ, डॉक्टर ने जब रिपोर्ट निकाली तो बाबा की ऐसी कृपा थी, उसकी दोनों किडनियां थी और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत थी और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, मैं उसको लेकर कथा में आया हूँ। डॉक्टर ने जो जो रिपोर्ट लगाए बताई थी कि रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, किडनी नहीं, वो सारी रिपोर्टें आपको लगाई गई है गुरुदेव, जिसमें किडनी नहीं है, सारी रिपोर्ट नांदेड़ की भी और हमारे यहाँ की भी लगाई गई, जिसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी है, आप उस एक्सरे में देख सकते हैं और आप उस सोनोग्राफी में देख सकते हैं। बाकी के जब जन्म के बाद वापस उसके एक्सरे हुए, जन्म के बाद उसका जो चार देखा गया उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी भी थी और उसकी दोनों किडनियाँ भी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ, उसका फोटो भी लगाया है, बच्चा आया लिया, लिया। शंभू लुटा दिया भंडार शिवाने, कर दिया माला मा शिवाने। शिव कथा कहती है आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, एक पौधा एक वृक्ष ऐसा है वो विश्वास का, वो भरोसे का, अपना भरोसा कभी मत छोड़, अपना भरोसा कभी छूटना नहीं चाहिए, विश्वास कभी छूटना नहीं चाहिए। महाराज यमराज को यदि काल कहते हैं तो मेरे महादेव को महा काल कहते हैं, जो कोई नहीं कर सकता। जरा विचार करो, जिसका 5 बजे अंतिम संस्कार होने वाला हो उसके शरीर में प्राण आ सकते हैं, जरा विचार करिए। उसने पूरा एड्रेस लगाया है, ये भाई ने पूरी जांचें लगाई, ऐसी कोई जांच नहीं जिसमें उसने लगाया ना हो, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि इसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी पूरी बेकार है, पूरी जांचें लगाई उसने, एक एक जांच रिपोर्टें लगाई, एक्सरे लगाए, जो कोई ना कर पाए वो मेरा देव अधिदेव महादेव कर देता, कोई ना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं,
मेरी माताओं, आप कथा में जरूर आए हो, पर मेरा भरोसा ये विश्वास करता है, शिव पुराण की कथा का विश्वास करता है, आपने 5 दिन की कथा सुनी, कोई ने 2 दिन की सुनी, कोई ने 3 दिन की सुनी, कोई 1 दिन की सुना, कोई ये विराम दिन की सुना, ये भरोसा करता है। आप उसके दरवाजे तक आए हो ना, वो 3 महीने में आपको क्या क्या दे देगा, कोई भरोसा नहीं उसका, क्या देगा वो बदी जाए, कितना देगा उसके ऊपर निर्भर करता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाले पसारे, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही कहेंगे, वो सुनता, दिल से बोलेंगे वो श्रवण करता है। आए हो, हम जानते हैं पंडालों में इतनी जगह नहीं रहती, आप धूप में बैठे, जहां बैठे कितना लंबा चले, कैसे पहुंचे, क्या तुम लोगों ने यहां पहुंचकर भजन करा, कीर्तन करा, पर इतना जरूर है कि जिस भूमि पर शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ की जब रज उड़ती है, वहाँ की जो धूल हमारे शरीर पर लगती है, ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी और कितने दुखों को काट देती है, कितने ही रोग, कितने ही दुख, कितनी तकलीफ वो काट देती है। भक्ति के बल, विश्वास का बल, राजा विदर्भराज कौंडल्य मुनि के पास पहुंचे, बैठ गए, नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक जाऊंगा नहीं, थोड़ा जिद है, जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी होना चाहिए जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी हो जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। बैठ गए विदर्भराज कौंडल्य मुनि के नेत्र बंद कौंडल्य मुनि के नेत्र खुले नहीं। एक दिन निकल गया, विदर्भराज का नियम था, विदर्भ की धरा से जाते थे काशी दर्शन करने के लिए, तो बीच में अन्न नहीं पाते थे, ना पानी पीते थे, जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल नहीं चढ़ा देते थे, जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल ना चढ़ा देते, तब तक जल और पानी नहीं ग्रहण करते। कल हम माननीय सांसद महोदय जी से कह रहे थे, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, कि हमने कहा जी भाई, हनुमान चालीसा के चक्कर में 2 को जेल में डाला गया, 1 तुलसीदास जी और दूसरी थी तुम, जिसको जेल में पटका, 1 तुलसीदास जी, एक महिला गंगा के घाट पर तुलसी बाबा के सामने तुलसीदास जी रामचरितमानस लेकर बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, महिला रोती रोती वहां पहुंच गई, उसने कहा बाबा मेरा पति, मेरा पति, बाबा मेरा पति,
बस उसने कहा मेरा पति, तुलसी बाबा के मुख से निकल गया क्या चिंता करना अखंड सौभाग्यवती बाओ। वो कह रही है मैं तो कहने वाली थी कि मेरा पति चले गए और आपने मुझे वर दे दिया अखंड सौभाग्य। तुलसीदास जी कहे ये तो राम जी ने मुंह से निकलवाया है, राम जी जाने। पति को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, नारी रुकी, तुलसीदास जी को देखा। नियम था, पहले का नियम था, पति को जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते थे तो पत्नी हाथ जोड़कर लाल चूनर पहनकर पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि वो सती होती थी, जा रही थी। तुलसीदास जी को देखा, चरणों में पड़ गई, मेरा पति। तुलसीदास जी मन में सोचे कि ये तो सवेरे मिली थी और मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का कहा था और ये इसका पति तो मर गए, मर गए। तुलसीदास जी ने अर्थी ले जाने वाले से कहा थोड़ा नीचे रखकर इससे एक बार इसके कानों में राम कहलवा लूं, मैं राम कहलवा लूं। नीचे अर्थी रखी, लोग हंसने लगे, मरा हुआ चार घंटा हो गया और ये कह के राम कहलवा लो। तुलसीदास जी ने उसके कानों में कहा राम राम राम। लोग हंसकर बोले क्या है ये राम, के राम नाम ही तो सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं, इसका प्रमाण कौन देगा कि राम नाम सत्य है। तुलसीदास जी बोले प्रमाण तो केवल राम जी दे सकते हैं या फिर ये उठ के दे सकता है। दो मिनट हुए, मुर्दा उठकर कहता है राम नाम सत्य है। अकबर तक बात पहुंच गई, अकबर तक, कि मुर्दा जिंदा हो गया राम नाम के बल पर, मुर्दा जिंदा हो गया। अकबर ने तुरंत बुलाया तुलसीदास जी को और कहा कि हमने सुना है तुम मुर्दे को जिंदा कर देते हो, तो हम एक मुर्दे को तुम्हारे सामने रखते हैं, जिंदा करके बता। तुलसीदास जी बोले हमारे बस की बात है कि मुर्दे को जिंदा कर सकते, ये तो राम नाम की बात है, राम जी कर सकते, हमें कोई चमत्कार आता है क्या? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो भजन करते, हमने केवल भजन किया उसका बल था। जब तक तुम इसको जीवित नहीं कर सकते हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ले जाओ जेल में डाल दो इसको। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी वहां बैठे बैठे करते क्या, उन्होंने पूरी दीवार पर काजल से हनुमान जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया, हनुमान जी। और श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर बरन रघुबर विमल जस जो रायत फल जा। उन्होंने लिखना प्रारंभ करा, जो लिखा चौपाई पर चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दीपक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमत के संग, कंचन भरण विराज कानन कुंडल कुंचित केश। जैसे जैसे तुलसीदास जी लिखते जा रहे थे, अकबर के पास सूचना आ गई कि छत पर दो बांदर आकर बैठ गए। दो बंदर भगा दो, सूचना मिली कि वो चार हो गए, भगा दो आठ हो गए, भगा दो। मालूम पड़ा कि अकबर के नगर में बंदर ही बंदर इकट्ठे हो गए, कोई दरवाजा बजाए, कोई सामान तोड़े, कोई फेंके, कोई बाग कोई बगीचा, अकबर समझ नहीं पाया क्या हुआ। तुलसीदास के पास जाकर क्षमा मांग ली, तू स्तुति बन कर। तब तुलसीदास पवन तनय संकट हरण मंगल मोर किरो राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भू। बंदर जैसे कूदने लगे, अकबर क्षमा मांगा,
मैं जानता हूं एक बंदर कूदा उस शरीर पर, उसके प्राण आ गए। अकबर हाथ जोड़कर बोलता है, ये साधारण नहीं, तूने जो दीवाल पर लिखा तुलसीदास, ये साधारण नहीं, इतने बंदर। तुलसीदास जी कहते हैं, ये बंदर नहीं, मेरे हनुमान मेरे राम ने भेजे हैं, ये साधारण है। अकबर की पूरी सत्ता पलट दी उन बंदरों ने, पूरी सत्ता। हनुमान चालीसा, हम कल कर रहे थे ये दीदीबाई को, सांसद महोदय को, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, कि एक वो तुलसीदास जी को पटका था और एक आपको। हनुमान चालीसा के लिए जिंदगी में शायद पहला कोई व्यक्ति हो जो जेल में गया हो, एक हनुमान जी उनके लिए आए थे और एक आपके लिए आए, और बाबा ने जो कृपा करी वो सारी दुनिया उसकी साधु का है। बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख है, भगवान के नाम का एक सुख है, भगवान के भजन का एक सुख है। राजा विदर्भराज बैठ गए, जब तक नेत्र नहीं खुलते तब तक मैं नहीं जाता, नहीं जाऊंगा मैं। कौंडल्य मुनि नेत्र बंद कर बैठे थे, एक दिन बीत गया। राजा विदर्भराज का नियम था, विदर्भ से जाते थे काशी में, जाकर ही जल पीते थे, गंगा जल जब शिव जी को चढ़ाते थे तो उसी का आचमन करते थे बस, फिर भोजन करते थे, जब तक का अन्न पानी सब त्याग। अन्न पानी का त्याग कर देते। आप में से कई कई माताएं ऐसी हैं जो पूरे 3 घंटे की कथा को खड़े होकर सुनती हैं, कोई कोई माता ऐसी हैं सुबह से कुछ नहीं खाती हैं, कोई कोई भाई ऐसा कुछ नहीं खाता, कथा पूरी हो जाएगी तब भंडारे में जाएगा, तब भोजन करेगा, तब तक सुबह से लेकर कथा तक बैठा है, भोजन नहीं करा, पानी जरूर पिया, चाय पी ली, जो करना है वो करा, पर नाश्ता फास्ता थोड़ा बहुत करे सो तो करा, जो पाया वो पा लिया फल फ्रूट पर ना, अब मैं कथा सुन लूँ फिर। इतना बड़ा बड़ा बेग, ओढ़ने का कम्बल, बिछाने की चादर, दवाई गोली जो तुम्हें लगता है सब साथ में लेकर अपने, जैसे ही कथा पूरी हुई लोगों ने अपना अपना विचार बिछाया। हम अमरावती के लोगों से कहेंगे, भाग्यशाली हो जो तुम्हारे नगर में ये कथा हो रही है, दिन में समय नहीं मिले तो रात में आकर इनका दर्शन करो, और दर्शन जरूर करो, ये मौका दूसरी बार ये नहीं मिल सकता। जब रात्रि को लोग भजन करते हैं, आसपास की टोलियां, कोई ढोल, कोई मंजीरा, कोई नगाड़े, कोई डीजे, कोई बैंड बाजा ले लेकर आ जाते हैं, भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, ये दर्शन फिर नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज़्यादा लोग तो अपने साथ में बिछाने का और ओढ़ने का लेकर आते हैं, उनको मालूम है रोज 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर कौन जाएगा, वापस घर कौन जाएगा, अपन तो 4-5 दिन यहीं बिछाया, आया शिव नाम गाया, कहाँ जाना। अमरावती के भी कई लोग ऐसे होंगे जो यहीं रह रहे होंगे, कितने हैं जरा हाथ उठाओ तो, जो अमरावती के लोग यहीं रह रहे, अरे बहुत सारे हो रहे, तुम लोग धर लो वापिस। हमें मालूम है अमरावती के भी कई लोग होंगे, उन्होंने सोच लिया कौन बार बार जाएगा, अपन तो यही हंस, ये कुंभ का मेला, शिव कुंभ कहाँ मिलने वाला, ये भगवान शंकर की कथा कहाँ बार बार होगी, अमरावती में हो गई, ये तो माननीय सांसद जी और विधायक जी को साधु बातता है जो उन्होंने करवा कर भगवान शिव की सबिरल भक्ति को क्षेत्रवासियों को दिया, हो गई, ये शिव कृपा है। आप लोगों का जो इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ फल है तो आप लोगों का, आप लोगों ने जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया उसी का पुण्य मिला कि ये कथा मिली। विदर्भराज बैठ गए, जब तक मुनि नेत्र नहीं खोलेंगे तब तक मैं नहीं पाऊंगा, पाते तो थे ही नहीं, बैठ गए समाधि में लीन कौंडल्य मुनि, समाधि में लीन थे। 3 दिन बाद कौंडल्य मुनि के नेत्र खुले, राजन तुम विदर्भ राज हो, हाँ, विदर्भ नरेश हो, हाँ, राजन कहाँ जा रहे हो, काशी,
राजन, मैंने सुना है तू प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी आता है और तब तक तू कुछ नहीं खाता ना पानी पीता। मेरा मन है राजन तुझसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कौंडल्य मुनि ने कहा निवेदन? राजा विदर्भराज ने कहा निवेदन नहीं, संत साधु ब्राह्मण गुरु निवेदन ना करें, आज्ञा करें। संत निवेदन ना करे आज्ञा करे, साधु निवेदन ना करे आज्ञा करे, गुरु निवेदन ना करे आज्ञा करे। आज्ञा क्या है बोलिए। कौंडल्य मुनि कहते हैं मेरा मन है तुम काशी आते हो अपने विदर्भ की धरा पर शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना क्यों नहीं कर लेते। विदर्भ राज ने जो कहा वो पूरे विदर्भ का गौरव होना चाहिए। विदर्भ राज कहते हैं मैं विदर्भ में शिवलिंग की स्थापना तो कर लूं, मना नहीं है, पर शर्त केवल एक ही है। ये बात आप कह रहे हो, ये बात काशी के विश्वनाथ कहें तो स्थापना करो। ये एयर मास्क बाहर बहुत पोल्यूशन है। ये मैम। बाय दादू। हेलो डॉक्टर अंकल। इतने पोल्यूशन में फिर वॉक पे चले गए। मास्क बाहरी प्रोटेक्शन है, कोई हेल्थ सोल्यूशन नहीं। महेश जी अब बाहर से ही नहीं, अब अंदर से ही प्रोटेक्टेड हैं। मतलब ये है ब्रीद इजी। इसमें है गिलोय, पिपली, अश्वगंधा और 17 नेचुरल हर्ब से बना 100% हर्बल केरला आयुर्वेदिक मिश्रण। पंकज कस्तूरी ब्रीद इजी, लंग्स का बॉडीगार्ड। मंदिर के अंदर प्रवेश किए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया विश्वनाथ को। जैसे ही जल का पात्र लेकर बाहर निकले गंगा जी के घाट पर, विदर्भराज गंगा की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे और समाधि में लीन होकर बैठे हुए थे। उस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन शिवरात्रि थी और शिवरात्रि का दिन रात्रि के समय चार पहर की पूजन विदर्भ राज ने कर दी। कितनी पूजन करी? चार पहर। सावन की शिवरात्रि पर जब अपन सब लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं, करते हो आप लोग? ये तो बोलो जरा, करते हो? जब अपन सावन की शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर ऑनलाइन पूजन करते हैं, कई लोग ज्ञान देने वाले मिलते हैं, रात्रि को शिवलिंग का विसर्जन कर दिया, रात्रि को ये कर दिया, शिवलिंग की पूजन रात्रि को कर ली, कोई कहेगा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पर मैं पूरे भारत की भूमि से नहीं, पूरे विदेश में बैठे हुए देश और विदेश के भक्तों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने जब से सावन की शिवरात्रि के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है, उस दिन से मिला लो और आज का दिन मिला लो, तुम्हारे घर उन्नति की ओर बढ़ा है, नीचे नहीं गया है, ऊपर की ओर बढ़े हो, नीचे की नहीं आए हो, ऊपर की ओर बढ़ रहे। सावन के महीने की जब शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया जाता है, जब आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी उन्नति की सीढ़ी पर आप चढ़ रहे, धीरे धीरे चढ़ रहे, उसका फल आपको मिलता जरूर। महाराज शिवरात्रि का दिन था, चार पहर की पूजन कर रहे थे राजा विदर्भराज। चार पहर की पूजन में विदर्भराज गंगा के घाट पर बैठे हुए बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे। इतनी देर में भगवान विश्वनाथ गंगा के घाट पर राजा विदर्भ के लिए प्रकट हो गए। राजा विदर्भ से कहा विदर्भराज सुनो, कौंडल्य मुनि ने जो तुमसे कहा तुम उसकी बात को स्वीकार करिए। विदर्भराज ने बोला प्रभु आप कह रहे हो? हां, ये शब्द आपको कहना था, कौंडल्य मुनि बोल रहा है। भगवान शिव कहते हैं
मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कौंडल्य मुनि से कह दिया था, कौंडल्य मुनि नहीं मेरे मन के भाव आपके सामने कहे। जब कोई शंकर का भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला कोई शब्द कोई बात आपके बीच में कहता है ना, तो वो उस व्यक्ति के शब्द नहीं होते, स्वयं देवदिदे महादेव अपने शब्दों में किलवाए होते, स्वयं देवदिदे महादेव उसके शब्दों में किलवाए होते। कोई दूसरा नहीं कह सकता। मेरा मन है आप जाओ और कौंडल्य मुनि ने जो कहा है वो करो, आपको वहीं काशी विश्वनाथ का दर्शन होगा। कौंडल्य मुनि के कहे अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पाकर विदर्भराज चले। बीच में वापिस कौंडल्य मुनि के पास में पहुंचकर प्रणाम करा, मुनिवर मैं शंकर की स्थापना करूं, प्राण प्रतिष्ठा करूं, शिवलिंग को विराजमान करूं, पर शर्त एक ही है कि आपको आकर विराजमान करना पड़ेगा। कौंडल्य मुनि ने कहा मैं तो नहीं आ सकता, तो मैं शिवलिंग को रखूंगा कहां। कौंडल्य मुनि ने अपना कमंडल दे दिया, इस कमंडल को तुम जहां रख दोगे वहां पर, ये कमंडल जहां रुक जाए और जहां पर तुम रख दोगे वहीं पर शिवलिंग की स्थापना राजा तुम कर देना। कौंडल्य मुनि के कमंडल को लेकर विदर्भराज उस कमंडल को लेकर इस विदर्भ की भूमि पर आ गए। घूमते घूमते जैसे ही विदर्भ में प्रवेश करे, जैसे ही विदर्भ में प्रवेश करे, और प्रवेश करते ही बस कुछ ही दूर में अंदर प्रवेश करे थे, कमंडल में वजन बढ़ने लगा। वजन बढ़ते बढ़ते वो पानी का कमंडल और वजनी हो गया। राजा विदर्भराज से वो कमंडल उठ नहीं पाया, उन्होंने एक भूमि पर रख दिया। कौंडल्य मुनि ने कहा था जहां कमंडल रखाएगा वहीं पर आप शिवलिंग की स्थापना करना। विदर्भ राज ने पूरे विदर्भ में सूचना कर दी, जहां कमंडल रखा है वहीं पर आप शिव के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करो। और उसी जगह पर जैसे ही राजा विदर्भ राज शिवलिंग का निर्माण करवाने लगे, इतनी देर में तो स्वयं विश्वनाथ उस स्थान पर आकर प्रकट हो गए। उसी का नाम कौंडेश्वर महादेव हो गया। वही कौंडेश्वर महादेव हो गया, वो स्थान, वो जगह, और अमरावती के नजदीक में है वो स्थान। शायद अमरावती से स्कंद पुराण में तो शायद 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी उसमें वर्णन की है, 10-1 किलोमीटर। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 4 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग गए दर्शन करने के लिए? हैं, सब लोग गए? बहुत बढ़िया, नजर उतरवा लेना। बोल कौंडेश्वर महादेव की जय। स्वयं विदर्भराज के लिए कौंडल्य मुनि ने कमंडल दिया, वो कमंडल वहां रखा कि रखा बात। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव महापुराण। एक बार आ जा, जा की शरण।
जा भोले के शरण बोले चंद्र शेखर बोले ते पुरारी है चंद्र बोले चंद्र शेखर बोले ते पुरारी है ओ चंद्र बोले चंद्र शेखर बोले ते पुरारी है चंद्र बोले चंद्र शेखर बोले ते पुरारी है गले मुंडे माल राजे करे त्रिशूलधारी है नदी पे सवार ऐसे हो नदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण भोले की शरण में आ जा ओ भोले की शरण में आ जा शंभो की शरण में एक बार आ जा आजा भोले की शरण में एक बार आ जा आजा भोले की शरण राधे
हर भोले। संत और फकीर सब है भोले की शरण में, संत और फकीर सब है भोले की शरण में, संत और फकीर सब है भोले की शरण में, संत और फकीर सब है भोले की शरण में, अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में, अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में, अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में, शिव जी सबको मिलते हो, शिव जी सबको मिलते ध्यान धरने में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा भोले की शरण में, की शरण में आजा, ओ, 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 ओ शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण, ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण, राधे दूर होते हैं
शिव के शरण में एक बार आ जा जा भोले के शरण में एक बार आ जा जा भोले के शरण के साथ आनंद से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठिए। कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय से बड़े भाव के साथ में मन से भाव से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए, भाव से कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय
नमस्तु पवित्र कथा कह रही है। राजा विदर्भ ने कोंडेश्वर महादेव की स्थापना करी, स्वयं विश्वनाथ पधार कर स्वयं शिव भगवान देवाधिदेव महादेव पधार कर स्वयं दर्शन दिए। विदर्भ के सभी श्रोता भाई बहनों को निवेदन करूंगा, यदि काशी का दर्शन करने ना जा सको तो कोंडेश्वर महादेव का दर्शन कर लिया करो, काशी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। तपवनेश्वर का दर्शन कर लिया करो, अयोध्या का दर्शन हो जाए। आनंदेश्वर का दर्शन कर लिया करो, जीवन का एक आनंद अपने आप जिंदगी में प्राप्त हो जाए। कहीं हम पहले भी कथा में कहे कि आपकी जिंदगी में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, दूसरी जगह बाद में जाना, पहले आप अपने पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने नज़दीक में शंकर का जो मंदिर है, अपने पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, वहाँ जाकर एक लोटा जल समर्पित करो। दूसरी जगह बाद में जाओ, पहले अपने घर के नज़दीक में, अपने पास में जो शिवालय है, पहले वहां पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करो। हमने अभी नासिक की कथा में और जलगांव की कथा में एक बात कही थी कि बड़े हॉस्पिटल में मरीज को ले जाते हैं, उसके पहले उसकी प्राथमिक जांच के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए उसको नजदीक के पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, नजदीक। क्यों? जिससे उसकी प्राथमिक जांच हो जाए। अपने नजदीक में जाओ,
शिवलिंग कोई कहे तुमसे कि यह बहुत पुराना शिवलिंग है और कोई कहे यह बहुत नया शिवलिंग है, यह भ्रम दुनिया के लोगों में फैलने दो, आपके मन में यह भ्रम नहीं आना चाहिए। कोई तुमसे कहे कि ये मंदिर बहुत पुराना है और ये मंदिर बहुत नया, ये भेद जो करते हैं ना ये दुनिया के लोग करें, आपके मन में ये भेद कभी नहीं आना चाहिए। आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने घर में चार बच्चे ने जन्म लिया हो, दो बच्चों ने जन्म लिया हो और एक को ज्यादा दूध पिलाया हो और एक को कम पिलाया हो। माँ सब बच्चों को बराबर दूध पिलाती है, ये बच्चे पर आधारित है कि वो माता के स्तन से कितना दूध पी सकता है, वो कितना दूध पी रहा है ये बच्चे पर आधारित है। माँ कभी अपने बच्चे को भेदभाव में दूध नहीं पिलाती, माँ कभी अपने बच्चे को भेद रख कर दूध नहीं पिलाती कि इसको ज्यादा पिला दिया और उसको कम पिला दिया, ना, माँ के मन में भेद नहीं है। माँ बराबर का दूध पिला रही है। उसी तरह ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये शिवलिंग पुराना है, ये शिवलिंग नया है, ये शंकर का मंदिर पुराना है, ये शंकर का मंदिर नया है। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारे नज़दीक में जो शंकर का शिवलिंग है, अगर आप उस पर भी जल चढ़ाकर उसका भी आचमन कर रहे हो तो वो उतना ही फल देगा जितना पुरातत्व विभाग के शिवलिंग हो या पुराने कोई शिवलिंग। बस आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का। अच्छा, कोई व्यक्ति, एक आपसे प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे। कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बहन आपको बहुत अच्छी लग रही है, वाह जी जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या वो अच्छा है? जम क्या तो बोलो, अच्छा कौन है? जिसको तुम कह रहे हो कि वो जीजा बहुत अच्छा है, वो बहन बहुत अच्छी है, वो दीदी बहुत अच्छी है, वो काका बहुत अच्छा है, जिसको तुम अच्छा कह रहे हो वो कैसा है ये आपको नहीं मालूम, पर आप अपनी दृष्टि से देख कर कह रहे हो कि जीजी बहुत अच्छी है, जीजा बहुत अच्छा है, काका बहुत अच्छा है, इसका मतलब है आप अच्छे हो इसलिए आपको अच्छा नजर आ रहा। आप अच्छे हैं और जब आप स्वयं अच्छे हैं तो आपको सब अच्छा नजर आएगा। हम स्वयं अपनी दृष्टि से जब बुरे हो जाते हैं, हम स्वयं अपनी दृष्टि से जब बुरा देखने लगते हैं तो हमको सब बुरा नजर आने लगता है, सब बुरा। जिसको आप देखकर कह रहे हो कि अच्छा है इसका मतलब वो अच्छा नहीं है, आप अच्छे। सास कहती है मेरी बहू बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये समझ लेना कि बहू से मतलब नहीं है, अच्छी कौन है? जम के बोलो जरा। सास अच्छी है जो एक लड़की में अच्छाई देखी उसने। बहू कह रही है मेरी सास जैसी दुनिया में कोई सास नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है, इसका मतलब सास अच्छी नहीं है, इसका मतलब सास से नहीं है, इसका मतलब बहू से है। बहू अच्छी है तो वो सारी गलतियों को छोड़कर सास में जो अच्छाई है उसको देखकर वो अच्छा कह रही है। अच्छी बहू है, अच्छी सास है, अच्छा बेटा है, अच्छी बेटी। हम कहें, कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके जो शंकर जी के भक्त इतने सारे आते हैं ना, ये शिव भक्त इतनी सारी कथा सुनने आते हैं, बहुत बहुत, कोई कहता है कि हमारी जगह पर नहीं बैठने देते, कोई कहता है आगे आकर बैठ जाते हैं, कोई कहता है अपना आसन ही नहीं उठाते, कोई कहता है कि वो तो सुनते नहीं हैं। हम उनसे कहते हैं ये आपको लगता होगा, पर हमारा दिल कहता है जो शंकर की कथा में आता है, स्वयं शिव आता है,
शिव सुनता है, शिव सुनाता है और शिव ही कराता है। ये आपको लगता होगा, हमको तो लगता है ये सब बहुत दिल से सुनते हैं, दिल से, और जो सुनते हैं वो अमल भी करते हैं, उसी का तो प्रताप होता है। जो इतने इतने आए पत्र आया, देखिए डमरू के अंदर है वो। अब देखिए अगर विश्वास नहीं होता तो ये पत्र कोई लिखते हैं क्या? भरोसा करा, विश्वास करा, और फिर शंकर जी का विश्वास कर अपने नजदीक में जो शिवालय है उसका स्मरण करा। पत्र देखिए, मैं आस्था आशीष मिश्रा अमरावती का निवासी हूं। गुरु जी कहीं बैठे हैं? आस्था आशीष मिश्रा आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया साथ में? लिया इसको लियो। मैं आस्था आशीष मिश्रा अमरावती का निवासी हूँ। गुरुजी हमारे परिवार की ओर से बाबा को प्रणाम। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव? बाबा जो भी देता है वो छप्पर फाड़ कर देता है गुरुदेव। मेरा बेटा 2 महीने का था तब से उसको एक बीमारी लग गई थी, जिस बीमारी का नाम DBS था। एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी के अंतर्गत बच्चा धीरे धीरे मृत्यु की कतार पर आ जाता है। गुरुदेव इस बीमारी ने मेरे बच्चे को 2 महीने का था तब से पकड़ लिया था। ब्लड के चेकअप चलते रहे, पूना दिल्ली नागपुर मुंबई, हम 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठे जब से ये 2 महीने का था तब से। गुरुदेव धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होते गया, इसकी बीमारी बढ़ती चली गई और ये बच्चा 2016 में इतना बीमार पड़ गया कि इसके शरीर की जो बीमारी थी और फैलती चली गई। अब शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लाखों लोगों में किसी एक व्यक्ति को ये बीमारी होती है गुरुदेव, जिसको DBS कहते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई हल नहीं है। चाहे विदेश चले जाओ, चाहे अपने देश में दिखा लो। हर 15 दिन में खून की जांच होती थी, बच्चा तो भी ठीक नहीं रह पाता था। गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अंत में इस बीमारी से मृत्यु हुई है। गुरुदेव पूना और घर हमारा घर जैसा हो गया था, हम कभी पूना रहते कभी यहाँ आ जाते बेटे को ले लेकर। समय जाता गया, 2 महीने से इलाज चल रहा था। जब ये 2 महीने का था, 2015 से 2023 तक इसका इलाज चला। कितने महीने से, कितने साल से चल रहा है? 2015 से इलाज चलते चलते 2023 आ गया। सारी उम्मीदें तोड़ चुके थे, ये बच्चा हाथ से निकल गया था। डॉक्टर के हिसाब से ही ये केवल एक चलती फिरती एक मुद्रा है, बाकी के कुछ नहीं। हाथ ऊंचे कर दिए डॉक्टर ने। फिर एक किसी ने कहा कि आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो? 2023 में हमें उम्मीद जगी। किसी ने कहा सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, वो एक लोटा जल चढ़ाने को बताते हैं और सारी समस्या का हल बताते हैं, आप उस कथा को सुनो। मैंने मेरे बच्चे ने 2023 में इस कथा को सुनना प्रारंभ करा। हम रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, रुद्राक्ष लिया, इसके गले में धारण कराया। आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं साथ में। रुद्राक्ष लिया, गले में धारण कराया। हम सीहोर से आने के 4-5 दिन निकले थे,
मेरा बेटा 2015 से बीमार था, ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी का कोई हल नहीं है। 2023 आ गया, पहली बार सीहोर की धरा पर हमने पांव रखा, हम कुबेरेश्वर धाम ऑटो में बैठकर गए, गेट पर हमने प्रणाम करा, अंदर जाकर कंकर शंकर पूजन करके एक रुद्राक्ष लिया, बेटे के गले में वहीं पर डाल दिया, बाबा को चढ़ा हुआ जल पिलाया, वहाँ से प्रणाम कर कर हम वापिस आए। 5 दिन निकले, वापिस हम इसको पूना लेकर गए। जब पूना लेकर गए तो पहली बार डॉक्टर के मुख से निकला कि अब इस बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुका है। इसकी जो बीमारी थी, जिस बीमारी का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, वो बीमारी अब इसके शरीर से समाप्त हो गई है। इस बच्चे को वापिस ले जाओ। मेरी सास ने संकल्प लिया था 5 कथा सुनेगी, अगर मेरे बेटे को आराम लग जाएगा तो। उस मेरी सास ने हिंगोली, अकोला, नागपुर, जलगांव और अब मेरी सास अमरावती की कथा सुन रही है, क्योंकि मेरे बच्चे को आराम लग गया। आ जाओ, चल रहा है। अब बच्चा चल भी रहा है, हाथ पैर भी हिल रहे हैं और बोल भी रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधु। शिव कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा सहज नहीं है महाराज, भजन सहज नहीं। आप जो भक्ति करते हैं, आप जो विश्वास करते हैं, कई लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या मिलता, क्या प्राप्त होता। हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की 2 चीजें बदल जाती है। शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या मिलता है, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की 2 चीजें बदल जाती हैं। एक, उसके दिन बदल जाते हैं और दूसरा उसका दिन बदल जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के दिन भी बदलते हैं और दिल भी बदलता है। आप इतनी संख्या में बैठे हो, लगभग 8 लाख के ऊपर शिव महापुराण की इस कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, बाहर पीछे तक जहां तक पटेंट देख लो वहां तक लोग बैठे ही बैठे हैं, लाखों की संख्या में आ पाए। शिव महापुराण की कथा 2 चीजें बदल देती, एक आपका दिल बदल देगी और एक आपका दिन बदल देगी। चेंज। आपने सुना, आरती करी, भूमि को कर्पूर गोरम जैसे हुआ होते सी भूमि को नमन करा, प्रणाम। आप उस रज को लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने शरीर से जाकर वो रज अपने घर पर, वो धूल अपने घर पर भी लगती है तो ना जाने कितने कितने दुख, कितनी कितनी तकलीफ है, कितने कितने कष्ट को समाप्त कर देती है, हमारा दिन फेर देती है। वो कहते हैं ना, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन तो समझो ये जीवन सवर गया रे। मन को बना ले तू शिव का शिवालय, संग में चलेगा तेरे वो डमरू। जो शिव नाम होठों पे
चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शंकर का नाम शिव महापुराण, चाहे तुम आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो वो फल देती है। ये कथा तो आज तीसरे दिन की हो जाएगी, दो दिन की कथा और रहेगी, कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, पर परसों का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, टीवी पर वही 1 बजे आएगा, पर आप जिस दिल से कथा सुन रहे हो, मेरा महादेव भी तुम्हारे को दिल से झोलियां भर कर भेजेगा, ये निश्चय। सुनो दिल से, ये तो 20 तारीख को विराम हो जाएगी, 25 तारीख को पंडरपुर हरि विट्ठल के पावन चरणों में, जहां पूरी भारत की भूमि पर केवल एक भगवान विष्णु का मंदिर एक ऐसा है, जहां हरि विट्ठल नारायण के सिर पर शिवलिंग है, वो पांडुरंगा हरि विट्ठल है। ऐसी पवित्र भूमि पर 25 तारीख से कथा प्रारंभ होगी, जो इस 2023 के विराम की ओर जाएगी, 2023 के विराम की, 31 तारीख तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। वो कथा 31 को विराम हो जाएगी, 4 तारीख को भटिंडा पंजाब में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा शिव तत्व प्राप्त करने का जो मौका मिला, ये छूटे ना, जहां मौका मिल जाए वहां चले जाओ, कथा कर तत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को उतार। समय आया, जैसे विदर्भ राज भगवान शिव को लेकर आए और भगवान शंकर विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए, कौंडेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए, ऐसे ही माता पार्वती जी ने अपने तन के उपतन से श्री गणेश जी महाराज को प्रागट करा है, श्री गणेश जी महाराज को अपने तन के, और लोग कहते हैं पार्वती जी ने उपटन लगाया, लोग कहते हैं पार्वती जी ने उपटन लगाया, ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने गोबर लगाया था, इसलिए हमारे यहाँ गणेश जी को गोबर गणेश भी कहते हैं। तन से जिस उपटन को निकाल कर पुतला बनाया, उस पुतले में प्राण दिलवाए भगवान शिव से, और उसका नाम भगवान श्री गणेश जी महाराज हुआ। बोल गणेश जी महाराज की। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत भगवान श्री गणेश जी महाराज का, भाव भक्ति से आनंद से शिव पार्वती के साथ गणेश जी पधार रहे हैं, भाव के साथ। आप और हम 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा विदर्भ राज की पवित्र भूमि अमरावती में जो श्रवण कर रहे हैं हनुमानगढ़ी पर, हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये कथा चल रही है, जिसके यजमान माननीय श्री सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा हनुमानगढ़ी अमरावती इस पवित्र कथा के यजमान बने हैं। भाव भक्ति से कथा का लाभ लेने का जो सौभाग्य आपको और हमको मिला है, जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाला। सुनो और दिल से सुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ, धन्यवाद। आज तृतीय दिवस की कथा यहां विराम ले रही है, 2 दिन की कथा और बची है, बड़े भावों के साथ, हृदय के साथ, पूरे अमरावती के आसपास के रहवासी बड़े दिल से इस कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी, और कल कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। सुंदर पंचम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे सुबह के समय पे, और आज आरती में जिन भक्तों को आमंत्रित किया गया है, जो आत्महत्या ग्रसित किसानों की धर्म पत्नियां हैं, उनका कुटुंब परिवार है, उनको आज आरती में सम्मिलित किया गया है। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे किन्नर समाज से हमारे बीच में
भक्त पधारे हैं, वह भी बड़े आदर सम्मान से आरती के लिए पधारे। साथ में डॉक्टर सेवा देने वाले सभी कार्यकर्ता यह भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। स्वास्थ्य संबंधित जो भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं सुंदर, और कथा के मुख्य यजमान माननीय श्री सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा, आदरणीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुते। नहीं कि जो सुंदर है वो श्रेष्ठ हो,